हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का नॉर्सेप 2021 स्पेशल शॉर्ट सिलेक्शन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। आगाज हो चुका है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की तरफ से और जेएनसी परिवार की तरफ से नॉर्सेप 2021 को जीतने का। ठीक 25 दिन बाद टाइगर क्लासेस स्टार्ट होगी, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेहनत, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट हर उस नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंच जाए जिन्होंने सपना देखा था एम्स में एम्प्लॉय बनने का। बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों का हार्ड वर्क जिंदगी भर का सुकून दे सकता है। याद रखना अपना सपना बच्चों, साइकिल से फ्लाइट पे जाने का, पूरा करने का वक्त आ गया। सपना जो देखा था पूरा करने का वक्त आ गया, और आज उस सेशन को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, लक्ष्य बनाए, मेक स्मार्ट गोल। अभी आपका गोल है नॉर्सेप 2021 को क्रैक करना, उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहे। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस 2021 के नॉर्सेप के सिनेरियोस में खुद पे ट्रस्ट रखना है। स्मार्ट गोल आपका बन चुका, दैट इज योर नॉर्सेप 2021। और इस अपने बनाए हुए गोल को अचीव करोगे तो जिंदगी में और नई टास्क क्रिएट करके सपने पूरा करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो फाइनली आज के इस मैराथन सेशन को कैरी ऑन करें। क्लास बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत कुछ समेट के लेके आया मेरे बच्चों के लिए आज। करिश्मा ठाकुर डोनेटिंग 100 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच करिश्मा for your lovable contribution, first day of NORSET 2021 special class. Okay, fine. Welcome you all in AIIMS NORSET free crash course classes by JINC Nursing Officer Coaching Jodhpur. और आज के session को carry on करें बच्चों, और मैं बता देता हूं my loving future nursing officers, आज के session में medical surgical nursing start करेंगे, cell tissue blood और कार्डियो आज ही फिनिश करेंगे, इसी स्पीड से चलेंगे। आज सेल टिश्यू ब्लड और कार्डियो को फिनिश करेंगे, कल फिर चार सिस्टम लेके आऊंगा। इस तरीके से आने वाले चार क्लास में पूरा एमएसएन, पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। राजेश डोनेटिंग 200 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच राजेश for your lovable contribution towards JINC Nursing Officer Coaching Jodhpur. Okay, fine. Session को carry on करें बच्चों, और इस session का पहला MCQ कि father of medicine, who is the father of medicine? और बच्चों मैं बता देता हूं, मैं हर unit wise, हर topic wise, video और image को भी cover करते हुए आगे चलूंगा। जहां video का एमसीक्यू बनता हुआ वीडियो डिस्प्ले करूंगा, जहां इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता हुआ इमेज डिस्प्ले करूंगा, जहां एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू बनेगा वहां रैशनल डिस्कस करूंगा, जहां वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा वहां 10 छोटे छोटे एमसीक्यू पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ये होगा आज के इस मैराथन आगाज का तरीका। ओके फाइन, फादर ऑफ मेडिसिन एवरीबडी नो वेरी वेल, क्विक आंसर देना है बच्चों, क्विक आंसर देना है। फादर ऑफ मेडिसिन दैट इज आ एंड्रयूस वेसालिस क्लाउड बर्नार्ड then Hippocrate, Antony van Leeuwenhoek. फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। लगभग 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 सबने बच्चों। यहां Hippocrate का बिल्कुल सही आंसर। देखिए एंड्रयू वेसालिस सभी को पता है, फादर ऑफ एनाटोमी है। कौन है बच्चों? फादर ऑफ एनाटोमी, दैट वी कैन से फादर ऑफ एनाटोमी आपसे पूछेंगे तो आपको लिखना एंड्रयू वेसालिस। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों क्लाउड बर्नार्ड।
और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछेंगे तो आपको आंसर एंटोनी वैन लुइनहॉक लिखना। इवन फादर ऑफ लिविंग लिविंग सेल पूछेंगे कि लिविंग सेल के फादर कौन है तो भी एंटोनी वैन लुइनहॉक लिखना होगा बच्चों। ये चार एमसीक्यू यहां पर कवर करते हैं, आगे चलते हैं। एंटोनी लुइनहॉक पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, लिविंग सेल डिस्कवरी और मैंने कहा फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट पुट करूंगा दैट विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन होगा, एंटोनी वैन लुइनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस। बच्चों स्पीड रहेगी, फटाफट इस लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शेयर जरूर करें, जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें शेयर इट राइट नाउ एवरीवन एंड लाइक इट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस मेगा क्लास का बेनिफिट मिल सके और बच्चे कॉन्फिडेंट बूस्ट कर सके कि आने वाले नॉर्थ सेट 2021 में किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। मैंने क्लियर पुट किया है, मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस पूछा है बच्चों, मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस पूछा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने लिखा है नेचुरल सेल डेथ बोल सकते हैं, अनप्रोग्राम सेल डेथ बोल सकते हैं, दोनों ए और बी राइट हो सकता है या इन चारों में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, कोई भी करेक्ट नहीं होगा। फटाफट आंसर पुट करेगा, मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों, फटाफट आंसर देते हुए आगे बढ़िएगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने, क्या बात है, शाबाश शाबाश। मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस दैट वी कैन से नेचुरल सेल डेथ, बहुत बढ़िया। यदि आप नेचुरल सेल डेथ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोग्राम सेल डेथ, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा वर्ड हम पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज अ नेक्रोसिस। याद रखिएगा सेल दो तरीके से डाई होता है, नेक्रोसिस को बोल सकते हैं बच्चों अनप्रोग्राम्ड, अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक और बात आपको बता देता हूं, नेचुरल सेल डेथ को सेल सुसाइड बोलते हैं, सेल सुसाइड बोलते हैं, और नेक्रोसिस को सेल मर्डर बोलते हैं बच्चों, सेल मर्डर बोलते हैं, क्योंकि एक लाइफ स्पान के बाद सेल का डाई होना वो अपोप्टोसिस कहलाता है। और किसी भी बैक्टीरियल वायरल फंगल इंफेक्शन की वजह से या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से सेल की डेथ होती है वो नेक्रोसिस कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो सेल दो तरीके से डाई होता है बच्चों, एक अपोप्टोसिस और दूसरा मैंने लिखा है नेक्रोसिस। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, सलाइवा, विटामिन, बाइल और फॉस्फोलिपिड। याद रखना बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। किसका बना होता है, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि सलाइवा का, विटामिन का, बाइल का, फॉस्फोलिपिड का, किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा, वी हैव लिमिटेड टाइम बट डज हैव मच कंटेंट, तो फटाफट आंसर पुट करते हुए आगे बढ़िएगा बच्चों। शाबाश 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 शाबाश, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक करना ना भूले बच्चों, लाइक करना ना भूले, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। फॉस्फोलिपिड जगातार बच्चे लिख रहे हैं, आपका आंसर सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोलिपिड क्या बनाता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वीके से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं बच्चों। फॉस्फोलिपिड के साथ आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रिसेप्टर साइट ऑफ नॉन स्टीरोइड हार्मोन। देखिए बच्चों, नॉन स्टीरोइड और स्टीरोइड हार्मोन जो है दैट इज अ टाइप्स ऑफ हार्मोन, दैट इज अ टाइप्स ऑफ हार्मोन। नॉन स्टीरोइड हार्मोन की यदि हम बात करें तो उसका रिसेप्टर साइट कौन होगा, तो आपको आंसर पुट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि आपसे पूछे, यहां पर आपसे पूछे बच्चों स्टीरोइड हार्मोन, यहां पर आपसे पूछे स्टीरोइड हार्मोन का रिसेप्टर साइट कौन होगा, रिसेप्टर साइट कौन होगा, तो आपको आंसर न्यूक्लियस लिखना होगा बच्चों, आपको आंसर न्यूक्लियस लिखना होगा। और नॉन स्टीरोइड का आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखना होगा, दोनों अलग अलग एमसीक्यू बच्चों। नॉन स्टीरोइड का पूछे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टीरोइड का पूछे तो न्यूक्लियस। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट लिखा कंपोज्ड ऑफ, इसमें प्रोटीन 55% है, लिपिड 40% है, कार्बोहाइड्रेट 5% है, इसीलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं बच्चों। 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रीब्यूट करता लिपिड्स,
55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चों, दैट इज अ प्रोटीन, और सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन बनेगा सेल डिवीजन पे, एक एमसीक्यू बनेगा बच्चों सेल डिवीजन पे। मैंने क्लियर पुट किया, सेल डिवीजन दो टाइप्स का हम पढ़ते हैं, माइटोसिस, और माइटोसिस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल डिवीजन। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल डिवीजन मतलब जैसे ही ये आपका सेल है, ये सेल टू डॉटर सेल में यदि डिवाइड हो रहा है, दैट कंडीशन वी कैन से माइटोसिस, दैट सेल डिवीजन वी कैन से माइटोसिस। याद रखना, वेजिटेटिव सेल डिवीजन बता रहा हूं, जब सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, दैट वी कैन कंसीडर माइटोसिस। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर में कौन सा सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर लिखना होगा माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या लिखोगे मेरे बच्चों? माइटोटिक सेल डिवीजन लिखना होगा। मैंने क्लियर पुट किया हुआ है कि जब भी पेशेंट को मैलिग्नेंट, जब भी पेशेंट को मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब इनवेड और स्प्रेडिंग, इनवेड बोल सकते हो, स्प्रेड बोल सकते हो, मतलब वो कैंसर जो एक ऑर्गन में डेवलप होगा, फिर दूसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर तीसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर चौथा ऑर्गन में जाएगा, दैट प्रोसेस वी कैन से मेटास्टेसिस। उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, मियोसिस की मैं बात करूं, इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन बोलते हैं, और ये सेल विल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल। जो आपका सेल होगा वो चार डॉटर सेल में डिवाइड होगा, दैट सेल डिवीजन वी कैन से मियोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? मियोसिस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, विच आर द लिंब लीड्स। देखिए ईसीजी का एमसीक्यू है, क्वेश्चन पूछा है कौन सी लीड जो है उनको हम लिंब लीड्स बोलते। ध्यान से सुनना, समझना, आंसर देना बच्चों। मैंने लिखा लीड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें लिखा चेस्ट लीड V1 टू लेके V6, इसमें लिखा AVR, AVF और D में लिखा AVL। लिंब लीड्स का पूछा है बदमाश बच्चों, लिंब लीड्स का पूछा है, क्विक आंसर पुट करेगा। लिंब लीड्स का पूछा है कि लिंब लीड्स जो है वो कौन सी है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्विक आंसर पुट करना है बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। विच आर द लिंब लीड्स, A, B, C, D, वी हैव फोर ऑप्शन, क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। चार ऑप्शन आपके सामने, मैंने पूछा लिंब लीड्स जो है वो कौन सा होगा, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर ए लिखा है, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। मैं बताना चाहता हूँ, लीड की बात करें तो मेनली लीड हम दो तरह की पढ़ते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर। लिंब लीड्स को कभी कभी हम बाइपोलर बोलते हैं, बाइपोलर का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सिस, मतलब सीधा ये पर्सन है, ये पर्सन है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं लिंब लीड्स की। ये इसके दोनों पैर है, ये इसके दोनों पैर है, ये इसका हाथ है, ये इसके दोनों हाथ है, और डेफिनेटली ये जो दिख रहा है बच्चों, ये राइट आर्म है, ये आपका लेफ्ट आर्म है, ये आपका लेफ्ट लेग है, ये आपका राइट लेग है, मतलब राइट और लेफ्ट आर्म के बीच का जो लीड होगा इसको हम लीड फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड फर्स्ट बोलते हैं। लीड फर्स्ट का मतलब बिटवीन, लीड फर्स्ट का मतलब बिटवीन राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, मतलब दो एक्सिस के बीच का रिलेशनशिप है। लीड सेकंड जो है वो राइट आर्म और लेफ्ट लेग, ये जो दिख रहा है ये लीड सेकंड है। लीड सेकंड का मतलब बच्चों कहां से कहां होगा? राइट आर्म से लेके लेफ्ट लेग तक। लीड थर्ड जो होगा वो लेफ्ट लेग से लेके लेफ्ट आर्म तक होगा बच्चों, लेफ्ट लेग से लेके लेफ्ट आर्म तक होगा, दैट वी कैन से लीड थर्ड, मतलब सीधा वो लीड जिसमें दो रिलेशनशिप को, दो एक्सिस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लीड्स को लिंब लीड्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लिंब लीड्स बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर। उसके अलावा बच्चों AVR, AVF और AVL लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना, ऑगमेंटेड बोलते हैं इसको, ऑगमेंटेड विक्टर, ऑगमेंटेड विक्टर राइट होगा, ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट होगा, और ऑगमेंटेड विक्टर जो है फूट होगा बच्चों। ये तीन ऑगमेंटेड लीड से, तीन यहां पर बच्चों ऑगमेंटेड लीड मैंने पुट किया है, AVR, AVL और AVF। तो सिंपली लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, इन तीनों लीड को क्या बोलते हैं? बाइपोलर। क्योंकि बाइपोलर का मतलब है द लीड डज हैव रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप। वही यदि हम यूनिपोलर की बात करें बच्चों, यूनिपोलर की बात करेंगे तो यूनिपोलर में बच्चों V1 से लेके
V6 होगा, इनको हम चेस्ट लीड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चेस्ट लीड बोलते हैं. और चेस्ट लीड का यूनिपोलर का मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल एक्सिस. तो ये चेस्ट की जो लीड होगा V1 से लेके V6 इन लीड को हम क्या कहेंगे? दैट इज अ यूनिपोलर. क्या कहेंगे बच्चों? यूनिपोलर. थैंक यू रितु पटेल, थैंक यू मेरे बच्चा, शाबाश. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू बॉर्न, बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है, बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से. नॉर लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू बॉर्न पूछा है. न्यू बॉर्न में आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होगा? 80 to 90 days, 35 to 50 days, मैं लिखा है बच्चों 35 to 42 days और 120 days. क्विक आंसर पुट करेगा. क्वेश्चन कहता है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यू बॉर्न में आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो कितना होगा. एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, न्यू बॉर्न जो होगा वो प्री टर्म भी हो सकता है, वो टर्म न्यू बॉर्न हो सकता है. दोनों में लाइफ स्पान अलग होगा. जब कभी भी प्री टर्म और टर्म दोनों पुट नहीं किया हुआ, सीधा पूछा तो याद रखना टर्म का पूछा है, टर्म का पूछा है बच्चों. फटाफट आंसर पुट करना. लगभग 2500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें. पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर एवरीवन. क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर 80 to 90 लिखा, बिल्कुल सही. मैं बताना चाहता हूं बच्चों, टर्म्स वो बेबी जो होगा उसका 80 to 90 days होगा. यदि आपसे प्री टर्म पूछते हैं तो 35 to 50 days होता है बच्चों. प्री टर्म पूछते हैं, यही आपसे अडल्ट का पूछते हैं तो आपका आंसर 120 days होता है बच्चों. यही आपसे पूछते हैं कि ब्लड बैंक में यदि आपने आरबीसी को ब्लड बैंक में स्टोर किया है तो लाइफ स्पान क्या होगा, 35 to 42 days लिखना है, 35 to 42 days लिखना. ये मैं सारा अडल्ट का बात कर रहा हूं बच्चों, अडल्ट के पैरामीटर की बात कर रहा हूं. ध्यान से सुनने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. ओके फाइन, मैंने मेंशन किया लाइफ स्पान ऑफ वर्स्ट आरबीसी. देखिए वर्स्ट आरबीसी का कभी कभी पूछते हैं 28 days होता है. मतलब पेशेंट को सर्जरी हुआ और सर्जरी में पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ और ब्लड लॉस को कलेक्ट किया और उसमें से क्या रिमूव किया और इस आरबीसी को क्या कर दिया, वॉश करने के बाद में स्टोर कर दिया, तो कितने दिन तक रख सकते हैं, 28 days तक रख सकते हैं. मैंने क्लियर मेंशन किया है वॉस्ट आरबीसी का मीनिंग क्या है. आपने पेशेंट की सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ, उस ब्लड लॉस को कलेक्ट किया, उसमें से आपने पेशेंट की आरबीसी को निकाला, उस आरबीसी को वॉश किया, फिर उसको स्टोर कर दिया, तो कितने दिन तक हम रख सकते हैं, 28 days तक. कितने दिन तक रख सकते हैं बच्चों, 28 days तक हम रख सकते. एग्जाम का क्वेश्चन है. इवन लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट पूछते हैं. प्लेटलेट की लाइफ स्पान सभी को पता है 8 to 11 days होता है, बट यही यदि प्लेटलेट को आप ब्लड बैंक में रखोगे तो लाइफ स्पान जो है वो कम हो जाएगा, 5 to 7 days हो जाएगा बच्चों, 5 to 7 days हो जाएगा. देन लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट ब्लड बैंक 5 to 7 days. स्टोरेज टाइम ऑफ WBC पूछते तो 14 days. WBC को 14 दिन तक रख सकते हैं बच्चों, WBC को 14 दिन रख सकते हैं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा. व्हाइल डूइंग ECG तो V1 को कहां प्लेस करोगे, जब आप पेशेंट का ECG कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग ECG, जब आप पेशेंट का ECG कर रहे हो तो V1 को कहां प्लेस करोगे. लोकेशन पूछा, एग्जाम का एमसीक्यू है. आंसर देखिएगा, लेफ्ट फोर्थ इंटरकोसल स्पेस लिखा हुआ है, राइट फोर्थ इंटरकोसल स्पेस लिखा हुआ है, राइट फिफ्थ इंटरकोसल स्पेस लिखा हुआ है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोसल स्पेस लिखा है. बच्चों क्विक आंसर पुट करना. मैंने पूछा है चेस्ट लीड की बात कर रहे हैं, चेस्ट लीड की बात करें बच्चों, मैंने V1 का पूछा है, V2, V3, V4, V5, V6. अभी आपको मैंने कहा था 6 चेस्ट की लीड होती है. सपोज ध्यान से देखिएगा, आंसर पुट करें. ये पर्सन है बच्चों, आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. हियर यू कैन सी, दिस इज योर स्टर्नम, दैट इज योर क्लेविकल. आपको आंसर पुट करना है बच्चा फटाफट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. ये
12 ribs पुट किया। क्या बात है बच्चों, सही आंसर आना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने पूछा है, V1 पूछा है, V1 पूछा है, याद रखिएगा V1 पूछा है। ऑलवेज एवरीबडी नो कि V1 प्लेस करते राइट साइड में, बाकी सभी प्लेस करते लेफ्ट साइड में, और ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर लिखा है। बच्चों मैं बता देता हूं, 12 पेयर रिप्स होता है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं 12 पेयर रिप्स होता है, 12 जोड़ी रिप्स होता है, एक स्टर्नम होता है। दूसरा, दो रिप्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। दो रिप्स के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। और राइट साइड में भी अपन काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 12 पेयर रिप्स है तो स्पेस कितने होंगे बच्चों, 11 होंगे। कितने होंगे, 11 होंगे। तो राइट साइड में जस्ट नियर टू द स्टर्नम यहां पर आपका V1 प्लेस होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, राइट साइड में। बाकी सभी लीड्स कहां प्लेस होगा बच्चों, लेफ्ट साइड में। कहां प्लेस होगा, लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखिएगा। ठीक बात करें, लेफ्ट साइड में, ये आपका लेफ्ट साइड है बच्चों, लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 1, 2, 3, 4। यहां हम किसको प्लेस करेंगे, V2 को प्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V2 को प्लेस करेंगे, और लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बाद में V3 को प्लेस नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे बच्चों, V4 को प्लेस करेंगे। और V4 कहां प्लेस करेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन। और यहां स्पेस कौन सा होगा, यहां फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा, जहां पर V4 को प्लेस करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में क्लेविकुला के बीचों बीच होगा, स्पेस कौन सा होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा। वही V3 जो है इन दोनों के बीच होगा, बिटवीन V2 और V4। और वही V5 की बात करें तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होगा बच्चों, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, स्पेस वही होगा, दैट इज अ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V5। और V6 की बात करें तो मिड एक्सिलरी लाइन होगा, मिड एक्सिलरी लाइन होगा, और स्पेस वही होगा, दैट इज अ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। दैट इज अ वे हाउ टू प्लेस, दैट इज अ वे हाउ टू प्लेस टेस्ट लीड इन टू द इंटरकोस्टल स्पेस। V1 क्वेश्चन कई बार आता है, राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, याद रखना। और बच्चों यही आपका राइट एटीएम लोकेटेड होता है, याद रखना, यही आपका राइट एटीएम लोकेटेड होता है, राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जहां पर आपने V1 को प्लेस किया, V1 को प्लेस किया। ओके, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहां मैंने लिखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी जेली यूज करते हैं गुड कंडक्शन के लिए। आप सभी को तो पता है कि ECG जेली, कुछ बच्चे कार्डिक जेली के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, बट एग्जाम ने यह पूछा था, एग्जाम ने पूछा सोडियम क्लोराइड। याद रखना ECG जेली जो है, इसी को कार्डिक जेली बोलते हैं, इसी जेली को हम लोग ECG जेली बोलते हैं, इसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और इस जेली का काम क्या होगा, गुड कंडक्शन बच्चों, गुड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, गुड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स के अच्छे कंडक्शन के लिए हम जेली का यूज करते हैं। जेली कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जेली को प्लेस करते रहते हैं, जब लीड कनेक्ट नहीं होता तो जेली को और डालते हैं। दैट इज अ टोटली रॉन्ग वे, टोटली रॉन्ग वे। एग्जैक्टली एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सी जेली यूज करते हैं, सबको ECG जेली का पता है, कार्डिक जेली का पता है, बट सोडियम क्लोराइड वर्ड याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड वर्ड याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले UP NHM स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए तैयारी करने वाले सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन है बच्चों। कोर्स अवेलेबल है, 1500 रुपीज का प्राइस है, ऑफर 25 अक्टूबर तक है। दूसरा खास बात, यहाँ 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से आने वाले, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अदर सब्जेक्ट से आने वाले, और इसका पूरा सिलेबस टीम JINC के द्वारा रिकॉर्ड करके पुट किया हुआ है। ऑनलाइन वीडियो कंप्लीट कोर्स है बच्चों, और इसको परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉग इन करना है, या फिर आप सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो UP NHM स्टाफ नर्स का प्रिपरेशन कर रहा है, स्टाफ नर्स का प्रिपरेशन कर रहा है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन सीधा नॉर्सेट 2021 का है बच्चों, नॉर्सेट 2021 का सीधा MCQ आपके सामने, मेजर PR इंटरवल। क्वेश्चन को देखें और मुझे आंसर पुट करिएगा। एक ECG इमेज मैंने आपको दिया है,
ईसीजी इमेज के अंदर आपको देखना है और मुझे पीआर इंटरवल का वैल्यू निकाल के बताना है। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा। इस ईसीजी इमेज को देखिएगा और मुझे पीआर इंटरवल को मेजर करके बताइएगा कि इस ईसीजी में पीआर इंटरवल कितना होगा। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं बच्चों, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड्स, ये नॉर्मल इंटरवल है, ये नॉर्मल इंटरवल। इस ईसीजी को देख के आप मुझे सही आंसर पुट करेगा बच्चों। इस ईसीजी को देख के पृथ्वीराज डोनेटिंग 29 रुपीज, थैंक यू सो मच पृथ्वी, आप फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, पीआर इंटरवल जो है ये बिगनिंग कहां से होता है, बिगनिंग कहां से होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पी वेव, जहां से पी वेव स्टार्ट होता है, यहां से पी वेव स्टार्ट होता है, यहां से काउंट करना स्टार्ट करना है, और देन बिगनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिगनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यहां से क्यूआर स्टार्ट होता है, ये क्यू वहां से स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन काउंट करना है, इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन काउंट करना है। आई विल चेक योर ड्यूरेशन, फटाफट आंसर पुट करेगा। आपका सही आंसर जिन्होंने 0.18 लिखा, मैं बताना चाहता हूं कैसे काउंट करते हैं, मैं बताना चाहता हूं बच्चों 0.18 ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो ये ग्राफ पेपर होता है, ये जो ग्राफ पेपर होता है, इस ग्राफ पेपर के अंदर बड़े बड़े बॉक्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर फिर पांच छोटे बॉक्स होते हैं, पांच छोटे बॉक्स होते हैं लाइक दैट। और याद रखना बदमाश बच्चों, एक जो स्मॉल बॉक्स है उसका टाइम 0.04 सेकंड है, और एक जो बड़ा बॉक्स है इसका टाइम 0.20 सेकंड है, 0.20 सेकंड है। अब ये जो बॉक्स दे रखा है ये सारे स्मॉल बॉक्सेस है, क्या है बच्चों, स्मॉल बॉक्सेस है। अब आपको ध्यान देके काउंट करना होगा, एक स्मॉल बॉक्स, यहां से हमने कहा बिगनिंग ऑफ द पी वेव, एक स्मॉल बॉक्स, दो स्मॉल बॉक्स, तीन स्मॉल बॉक्स, चार स्मॉल बॉक्स, और उसके बाद में पांचवा स्मॉल बॉक्स आधा है क्योंकि हमें बिगनिंग ऑफ क्यूआरएस तक काउंट करना है। तो आपके पास टोटल जो है वो साढ़े चार स्मॉल बॉक्स है। जब 4.5 स्मॉल बॉक्स को इंटू करोगे 0.4 से तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.18 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 0.18 आएगा। जिन्होंने ये 0.18 निकाला है उसका आंसर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, जिन्होंने आंसर निकाला उसका आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरेस्पॉन्ड टू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो पी वेव है वो क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा लिखा एट्रियल रीपोलराइजेशन, देन बच्चों वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, देन लिखा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। फटाफट आंसर पुट करेगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर पुट करेगा कि पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है, पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, आपको आंसर पुट करना होगा। मैं ध्यान से पुट कर रहा हूं, ये आपका नॉर्मल ईसीजी है, ये आपका पी वेव है, देन बच्चों ध्यान से देखिएगा पी वेव है, देन क्यू आर एस टी, दैट यू कैन सी नॉर्मल ईसीजी, दिस इज योर पी, दैट इज योर क्यू आर एस और टी। मेरा क्वेश्चन है कि पी वेव क्या इंडिकेट करता है, पी वेव क्या इंडिकेट करता है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है बच्चों। आपको आंसर यदि आता है तो क्विक पार्टिसिपेट करना है, क्विक पार्टिसिपेट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा, ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा बच्चों, एटीएल डीपोलराइजेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ड्यूरेशन भी लिखा मैंने 0.12 सेकंड और फोर स्मॉल बॉक्सेस, मतलब इसके अंदर चार स्मॉल बॉक्स आएंगे और चार स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन 0.12 सेकंड होगा। हमेशा याद रखना जब भी हम पी वेव की बात करेंगे, पी वेव की बात करेंगे वो एटीएल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बच्चों वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है,
QRS कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, दोनों MCQ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों। इवन मैं बता दू, नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव ऑन करते हैं, बच्चों क्वेश्चन कहता है टॉल पीक टी वे फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट MI, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ, सीधा पूछेंगे टॉल पीक टी वे फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट MI, और टॉल टी वे ऑल्सो इंडिकेटिंग हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट को भी टॉल टी वे मिलता है, पीक टी वे मिलता है। ये क्वेश्चन एम्स का फेवरेट है, एम्स का फेवरेट MCQ है, टॉल पीक टी वे फिर से पूछेंगे, हाइपरकैलेमिया में भी मिलेगा, और MI का फर्स्ट साइन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम है, एक्यूट MI का फर्स्ट साइन क्या होगा, टॉल पीक टी वे, याद रखिएगा बच्चों। कभी कभी आपसे पूछेंगे क्रोनिक MI का, तो इन्वर्टेड टी वे, और इन्वर्टेड टी वे हाइपोकैलेमिया में होता है बच्चों, हाइपोकैलेमिया में इन्वर्टेड और डिप्रेस टी वे होता है बच्चों, ये दोनों याद रखने का तरीका, हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया को रिमेंबर कर सकते हो, एक्यूट MI और क्रोनिक MI को रिफ्लेक्ट कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्लाइंट इज टू हैव, ध्यान से पढ़िएगा, ए क्लाइंट इज टू हैव ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल फ्रॉम द डेजिग्नेटेड डोनर, द क्लाइंट आस्क इफ एनी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई दिस डोनर, द नर्स शुड इन्फॉर्म दैट द क्लाइंट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई द डेजिग्नेटेड डोनर, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, सिंपल पूछा है, एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन सा डिजीज ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन देखिएगा, एम लिखा बच्चों एब्स्टीन बार वायरस डिसऑर्डर, बी में लिखा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सी में लिखा है साइटोमेगेलो वायरस, डी में लिखा विटामिन सॉरी हेपेटाइटिस ए, और ई में लिखा मलेरिया, ई में लिखा मलेरिया। बिल्कुल अनिशा, एम्स सीकेएस MCQ सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई आपसे पूछेंगे, पांच ऑप्शन आपके सामने है। मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज ब्लड के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, हो सकती है। ऑप्शन देखिएगा, ACE, ABC, BDE, CDE, क्विक आंसर बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। काफी बच्चे यहां पर बच्चों बी लिख रहे हैं, ABC लिख रहे हैं, क्या बात है, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये वायरल डिसऑर्डर है, ये भी वायरस डिसऑर्डर है, तीनों जो है ये वायरल डिसऑर्डर, और वायरल डिसऑर्डर में ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के द्वारा एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने में। देखिए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आपको अच्छे से बताया है, ये फीको ऑरल रूट से ट्रांसफर होते हैं बच्चों, फीको ऑरल रूट से ट्रांसफर होते हैं बच्चों। देन मलेरिया जो है ये मॉस्किटो की वजह से ट्रांसफर होता है, तो वी कैन नॉट कंसिडर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, तीनों वायरल इंफेक्शन है, तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूशन के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हाउ कैन काउंट पल्स रेट बाय द ECG, आप मुझे इस पेशेंट के ECG की पल्स रेट काउंट करके बताएं फटाफट, कितना पल्स रेट होगा, आप ECG को देखिएगा और मुझे आंसर पुट करेगा बच्चों, मैंने क्वेश्चन पूछा है, यू शुड काउंट इट एवरीबडी, ECG को देखिएगा बच्चों। देखिए कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने बैठे हैं, मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पुट करूंगा, तुरंत काउंट करना है, तुरंत कैलकुलेट करना है, फटाफट आंसर देना है, ये स्पीड डेवलप करना होगा आपको कमिंग 20-25 डेज में। हर एक क्वेश्चन तक ले जाऊंगा आपको, हर उस क्वेश्चन की शेयर करवाऊंगा जो आने वाले नॉर्सेट 2021 में आपको मिलेगा बच्चों। फटाफट आंसर पुट करिएगा क्वेश्चन को देख करके कि इस पेशेंट का पल्स रेट क्या होगा। फॉर्मूला पुट कर देता हूं, फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और हम इसको टी कंसिडर करते हैं। अगेन देखिए पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, मतलब आपको दो आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना बच्चों, ध्यान रखिएगा, काउंट स्मॉल बॉक्स बिटवीन टू आर वेव
और इसको डिवाइड कर देना है 1500 से, डिवाइड कर देना 1500 से, जो वैल्यू आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू आर वे, दो आर वे के बीच में डिस्टेंस देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऑलमोस्ट 17.5, आप 17 मानिएगा और 17 को 1500 में भाग दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो उस पेशेंट का पल्स रेट होगा, जो वैल्यू आएगा वो उस पेशेंट का पल्स रेट होगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर पुट किया, बच्चों क्या बात है, क्या बात है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने यहां पर आपको 75 लिखा आंसर सही होगा बच्चों 75। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड आउट इट, एक बार फिर देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैंने आपके सामने ईसीजी इमेज पुट किया है, आपको पता लगाना ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ईसीजी देखिए 75 नॉर्मल हो गया, ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगेन देखिएगा बच्चों, पी क्यू आर एस टी, देन पी क्यू आर एस और टी, इन दोनों आर वेव के बीच के स्मॉल बॉक्स को देखिएगा बच्चों, और फटाफट मुझे बताएं इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, इस पेशेंट की पल्स रेट काउंट करिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब आपको 1500 में 29 का भाग देना है, जो वैल्यू आएगा उस पेशेंट की पल्स रेट क्या होगा, रे बदमाश बच्चों, ब्रेडिकार्डिया होगा, ट्रैकिकार्डिया, क्या बात है, दैट कॉन्फिडेंस आई वांट फ्रॉम एवरीवन, आपका आंसर बिल्कुल सही, ब्रेडिकार्डिया, मतलब सीधा जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतने स्मॉल बॉक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब आप डिवाइड करोगे तो कम बार डिवाइड होगा, मतलब ब्रेडिकार्डिया, और जितना डिस्टेंस कम होगा नंबर ऑफ बॉक्स उतने ही कम होंगे, और जब आप डिवाइड करोगे तो पल्स रेट ज्यादा आएगा, मतलब लेस डिस्टेंस मोर पल्स, मोर डिस्टेंस लेस पल्स, अब तो याद होगा ना बच्चों, ओके फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काउंट कर रहे हो, तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन, ईसीजी के सारे क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं, पूछने वाला पूछ कहां से पूछना है, जेआईएनसी के बहादुर जो दिख रहे हैं, जो क्लास को वॉच करें, वो हर एक बच्चा इस तरीके के एमसीक्यू हंसता हंसता सॉल्व करेगा, पूछने वाला पूछ कहां से पूछना है, क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी आपका टीम जेआईएनसी कर रहा है, जब दोनों मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, छीन के ले आएंगे बच्चों, हर एम्स में जेएनसी जोधपुर का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मुझे दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ए क्लाइंट ईसीजी स्ट्रिप शोइंग एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट्स ऑफ 110 बीट्स पर मिनट, द पीआर इंटरवल, देखिए पीआर इंटरवल 0.14 सेकंड है, मैंने 0.12 से लेके 0.20 आपको नॉर्मल बताया था, इसका मतलब ये नॉर्मल है बच्चों। दूसरा देखिएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.08 है, क्यूआरएक्स का जो नॉर्मल है वो भी 0.08 होता है, इसको भी हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। देन पीपी एंड पीआर, देखिए पीपी इंटरवल और पीआर इंटरवल जो है वो भी रेगुलर है, हाउ शुड द नर्स करेक्टली इंटरप्रेट, मतलब यहां एक चीज आपको मिला है, पेशेंट का वेंट्रिकुलर जो रेट है वो 100 से ज्यादा है, उसके अलावा सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने, साइनस डिसरिथमिया, साइनस टैकीकार्डिया, देन नॉर्मल साइनस रिदम और साइनस ब्रेडिकार्डिया, फटाफट आज को आंसर पुट करना बच्चों, विच इज द राइट आंसर, पल्स रेट बढ़ा हुआ है बाकी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, आप क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्या बात, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर साइनस टैकीकार्डिया लिखा है, क्योंकि पल्स रेट जो है वो मोर देन 110 है, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि कंडीशन इन विच योर हार्ट पॉइंट, देखना हार्ट जो है हार्ट पॉइंट्स टूवर्ड राइट साइड,
वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट जो है वो राइट साइड में पॉइंट होता है। मतलब नॉर्मली आपका हार्ट लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है, अपेक्स लेफ्ट में होता है, बट यहां पर राइट साइड में पॉइंट होगा तो क्या बोलेंगे, क्या एक्टोपिया कार्डिस बोलेंगे, डेक्सोकार्डिस बोलेंगे, या आयोटिक आर्च सिंड्रोम बोलेंगे, या टकायासु डिजीज बोलेंगे। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, या टकायासु डिजीज बोलेंगे। हार्ट नॉर्मली टूवर्ड्स किधर होता है बच्चों, लेफ्ट साइड, बट यहां पर हार्ट किधर पॉइंट है, राइट साइड में। हार्ट किधर है बच्चों, राइट साइड में। इसको क्या कहेंगे हम, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लेटर ऑन आई विल शो द पिक्चर। क्विक आंसर लिखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने। डेक्सोकार्डिया लिखा जा रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि डेक्सोकार्डिया, यहां पर चार टर्म्स आपके सामने, मैं चारों का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। देखिए डेक्सोकार्डिया का मैं इमेज बताऊंगा, एक्टोपिया कार्डिस का मतलब क्या होगा, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। एक्टोपिया कार्डिस, ई से याद रखना एग्जिट, ई से याद रखना एग्जिट, और एग्जिट से याद रखना योर हार्ट विल लोकेटेड आउटसाइड द थोरेक्स, आपकी थोरेसिक कैविटी के बाहर आपका हार्ट लोकेटेड होगा, दैट कंडीशन एक्टोपिया कार्डिस। कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, हार्ट इज एबनॉर्मली लोकेटेड आइदर पार्शली और आइदर टोटल आउटसाइड ऑफ द थोरेक्स, पूरा या आधा थोरेक्स के बाहर लोकेटेड होगा, दैट कंडीशन वी कैन से एक्टोपिया कार्डिस। आयोटिक आर्च सिंड्रोम और टकायासु को मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन टू द आर्ट्री, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन टू आर्ट्री, आर्ट्री में इन्फ्लामेशन को टकायासु सिंड्रोम, और आर्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है आयोटा, यहां पर इसको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्ट्रियम कंसिडर करते हैं, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्ट्रियम कंसिडर करते हैं, दैट वी कैन से एग्जैक्टली आंसर ऑफ द एक्टोपिया कार्डिस। मैं इमेज को शो कर रहा हूं, या ध्यान से देखना बच्चों, इमेज को ध्यान से देखना, डेक्सोकार्डिया, इस पिक्चर को देखिएगा, ये आपके हार्ट का अपेक्स है, ये आपके हार्ट का अपेक्स है। नॉर्मली अपेक्स किधर होता है बच्चों, लेफ्ट साइड हो रहा है। नॉर्मली अपेक्स किधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड, नॉर्मली अपेक्स लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और वहीं एबनॉर्मलिटी में आपका अपेक्स जो है वो राइट साइड दिख रहा है। राइट साइड का होने का मतलब हो गया डेक्सोकार्डिया, डेक्सोकार्डिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी तरफ आइएगा, ये एक्सरे बता रहा है, एक्सरे बता रहा है कि जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है, उस हार्ट का जो अपेक्स है, जो अपेक्स है वो किस तरह पे बच्चों, राइट साइड में, किस तरफ पर, राइट साइड में। दैट एक्सरे इंडिकेट पेशेंट सफर विद द डेक्सोकार्डिया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एबनॉर्मलिटीज मैंने आपके सामने पुट किया, ध्यान से देखिएगा। दूसरी तरफ एक्टोपिया कार्डिस को देखिएगा, हार्ट पार्शियली और कंप्लीटली, ध्यान से देखिए बच्चों, पार्शियली और कंप्लीटली योर हार्ट विल लोकेटेड आउटसाइड द थोरेक्स, थोरेसिक कैविटी के बाहर होगा। पूरा हो सकता है, आधा हो सकता है, पूरा हो सकता है, आधा हो सकता है। एक्टोपिया कार्डिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, एक्टोपिया कार्डिस कहलाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक एमसीक्यू यहां पर बनेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बच्चों, ओके फाइन। नेक्स्ट दिखा गया, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ प्रिवेंटिंग सेप्टिक शॉक, मतलब पेशेंट को सेप्टिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, एडमिनिस्टरिंग आईवी फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी एज ऑर्डर, बी में लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग वाइटल साइन एवरी 4 आवर फॉर ऑल क्लाइंट, सी में लिखा हुआ है मॉनिटरिंग रेड ब्लड सेल काउंट फॉर एलिवेशन, डी में लिखा हुआ है मेंटेनिंग एसेप्सिस ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ प्रिवेंटिंग सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन जरूरी है। चार ऑप्शन है, सेप्टिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट कंडीशन वी कैन से सेप्सिस और दैट कैन कॉज वैसोडाइलेशन और सेप्टिक शॉक। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी आंसर लिखा है, क्योंकि हम इंडवेलिंग कैथेटर जो है इसको फॉलिस बोलते हैं, इसको हम लोग फॉलिस बोलते हैं, फॉलिस कैथेटर बोलते हैं, और कैथेटराइजेशन करते समय एसेप्सिक या एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन रखना,
और एसेप्टिक टेक्निक इन्फेक्शन को डेवलप होने से बचाने में मदद करेगी। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों इस क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंटेंट जहां पर आज हम पढ़ रहे सेल टिश्यू कार्डियो और ब्लड के एमसीक्यू। कल फिर चार सिस्टम के क्वेश्चन लेके आऊंगा। फटाफट इस लिंक को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट का काम करता आपके टीचर के लिए। जब आपका टीचर निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है तो बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है, बच्चे बेहतरीन जानते हैं। क्यों आप जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो बच्चों, तो लाइक इट एवरी वन राइट नाउ, डू इट सभी फटाफट करिएगा बच्चों। ओके फाइन, आपका सही आंसर बच्चों। ओह माय गॉड, नेक्स्ट देखिए बड़ा मजेदार एमसीक्यू मैं लिख देता हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू बच्चों, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ईसीजी दिया हुआ है जिसमें आपको V1 लीड दिया हुआ है और V6 दिया हुआ है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, V1 दिया हुआ है, V6 दिया हुआ है। अब आपको बताना ये पेशेंट को कौन सी एबनॉर्मिलिटी है, कौन सी एबनॉर्मिलिटी है। फटाफट आपको आंसर पुट करना है, फटाफट आपको आंसर पुट करना। माय लवली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर एवरीवन। क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, पुट इट राइट आंसर फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट 2021। ये सीधा एमसीक्यू है, ये सीधा एमसीक्यू बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सही आंसर पुट किया है। दैट इज अ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब राइट और लेफ्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे पेशेंट का राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ईसीजी इमेज आता है, कभी कभी डायरेक्ट फाइंडिंग पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट फाइंडिंग पूछता है। मैंने बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करूं, हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम बच्चों एक एसए नोड पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग एवी नोड पढ़ते हैं, तीसरा हम लोग बंडल बंडल ऑफ हीज पढ़ते हैं, बंडल ऑफ हीज पढ़ते हैं, चौथा हम लोग पुरकंजी फाइबर पढ़ते हैं, पुरकंजी फाइबर पढ़ते हैं। याद होगा जब एसए नोड से इंपल्स एवी नोड को आएगा, एवी नोड बंडल ऑफ हीज को देगा, तो बंडल ऑफ हीज दो भाग में डिवाइड होता है, एक जो है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। राइट जो है राइट पुरकंजी फाइबर को देगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट पुरकंजी फाइबर को देगा बच्चों। ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्या हुआ पेशेंट को, यदि यदि जो है राइट पुरकंजी राइट बंडल ऑफ हिज ब्लॉक हुआ तो क्या ईसीजी चेंज होगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज ब्लॉक होगा तो क्या ईसीजी चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिजीज, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिजीज, दोनों में डिफरेंस है। हमेशा याद रखना बच्चों, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 और V6 में चेंजेस दिखेगा। V1 M शेप का हो जाएगा, V6 W शेप का हो जाएगा। इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल ECG है, ये नॉर्मल V1 है, ये नॉर्मल V6 है, और यहां पर आप देखोगे लाइक दैट 1 2। देखिए क्या बना बच्चों, V1 में बन गया आपका M, V1 में क्या बन गया, M बन गया, और V6 में क्या बन गया, ध्यान से देखना, W बन गया। क्या बन गया, W बन गया। फर्क देखिएगा, हमेशा याद रखना, राइट ऑलवेज राइट, रॉन्ग ऑलवेज रॉन्ग। ABCD में पहले कौन आता है, पहले कौन आता है, M आएगा, और V1 क्या बन गया बच्चों, M शेप, बाद में V6 आएगा, बन गया W शेप। मतलब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 तो M शेप बना, V6 W शेप बना, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 W बना और V6 M बना, उल्टा है बच्चों, जस्ट ऑपोजिट याद रखिएगा, जस्ट ऑपोजिट याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है कि V1 का शेप क्या होगा, V6 का शेप कैसा होगा, दोनों के शेप में वेरिएशन होगा। डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का MCQ बच्चों, डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का MCQ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाइल ए पेसमेकर कैथेटर इज बीइंग इंसर्टेड क्लाइंट हार्ट रेट ड्रॉप,
मतलब जब पेशेंट को पेसमेकर कैथेटर आप डाल रहे थे तो हार्ट रेट ड्रॉप हो गया और हार्ट रेट पहुंच गया 38 बीट्स पर मिनट। कितना पहुंच गया बच्चों? 38 बीट्स पर मिनट। व्हाट मेडिकेशन शुड नर्स एक्सपेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब? कौन सी मेडिकेशन डियर नर्स एक्सपेक्ट कर रही है पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब से कि वो एडमिनिस्टर करेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी, तो हार्ट रेट बढ़ेगी बच्चों। शुक्रिया नागेश चौहान, थैंक यू सो मच नागेश, योर लव ट्रस्ट टूवर्ड्स JINC जोधपुर, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करेगा। ए में लिखा डिगॉक्सिन देंगे क्या, बी में लिखा लिडोकेन देंगे क्या, सी में लिखा अमायोड्रोन देंगे क्या, और डी में लिखा है ऑप्शन डी, देखिएगा डी में लिखा है बच्चों एट्रोपिन, डी में लिखा हुआ एट्रोपिन सल्फेट। अब आप आंसर पुट करेगा राइट क्या होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट पुट करेगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेशेंट को पेसमेकर पुट किया जा रहा था, पेसमेकर पुट करते समय हार्ट रेट डाउन हो गया तो डियर नर्स एक्सपेक्ट करेगी डॉक्टर कौन सी ड्रग देगी। आपने सभी ने एट्रोपिन लिखा, बिल्कुल सही। एट्रोपिन क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, क्या करेगा, ब्लॉक करेगा स्टिमुलेशन, ध्यान से देखना बच्चों, ब्लॉक स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। आपको अच्छे से पता है वेगस नर्व जो है ये 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है और इसका काम होता है हार्ट रेट को कम करना, तो वेगस नर्व के फंक्शन को हम रोक देंगे तो हार्ट रेट बढ़ने लगेगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी बच्चों सॉरी। तो याद रखना एट्रोपिन सल्फेट यहां पर देंगे और एट्रोपिन सल्फेट क्या करेगा, ब्लॉक करेगा टू स्टिमुलेट वेगस नर्व। याद रखना वेगस पैरासिंपेथेटिक के साथ काम करता है, हार्ट रेट को स्लो करने का काम करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है वेगस नर्व। इसके अलावा डिगोक्सिन आपको पता है आइनोट्रॉपिक एजेंट है, आइनोट्रॉपिक ड्रग है, इसका काम है कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाना और ये ड्रग हम यूज करते हैं हार्ट फेलियर में। कहां यूज करते हैं हार्ट फेलियर? अमायोड्रोन जो है ये डिसअर्थमिया को ट्रीट करने में यूज करने वाली एंटी डिसअर्थमिक ड्रग से बच्चों, एंटी डिसअर्थमिक ड्रग से अमायोड्रोन विल हेल्पिंग टू ट्रीट डिसअर्थमिया। फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इवन एट्रोपिन, बिल्कुल इकबाल, एट्रोपिन ऑल्सो यूज टू डायलेट प्यूपिल, बहुत बढ़िया, टू डायलेट प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट करने में भी हम एट्रोपिन का यूज करते हैं बच्चों, एट्रोपिन का यूज करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक इमेज आपको दिख रहा होगा, लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट 2021। मैंने एक इमेज आपके सामने पुट किया है, फाइंड आउट करना व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फाइंड आउट करना बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। इमेज आपके सामने है, आपको इमेज का नाम पता लगाना है। ये एक इमेज दिख रहा होगा, मेटालिक डिवाइस आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द नेम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वी क्रॉस 2900 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक करते रहिएगा बच्चों, शेयर करते रहिएगा ताकि इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर देख पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीवन, बहुत बढ़िया शाबाश, पेसमेकर आपने लिखा है दैट पेसमेकर, एवरीबॉडी बहुत ही बढ़िया शाबाश, पेसमेकर विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर द ब्रेडिकार्डिया। एक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक एमसीक्यू यहां पर बनेगा, पेसमेकर थेरेपी पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और याद रखना कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी आपको जानना होगा। पेसमेकर का पर्पज होगा टू ट्रीट पेशेंट सफर विथ ब्रेडिकार्डिया। ओके फाइन, अब पेसमेकर को दो तरह की बैटरी से हम यूज करते हैं बच्चों, लिथियम बैटरी जिसकी लाइफ स्पान 10 साल है, लिथियम बैटरी हम यूज करते हैं जिसकी लाइफ स्पान 10 साल है, और वही न्यूक्लियर पावर जिसकी लाइफ स्पान 20 ईयर है बच्चों। याद रखना 20 साल तक हम इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद सर्वाइव कर सकते हैं। लाइफ स्पान का पता होना चाहिए कि सबसे लंबी लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी कौन सा यूज करते हैं हम लोग पेसमेकर में, तो आपको आंसर लिखना न्यूक्लियर पावर्ड, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, वन मोर थिंग्स,
वन मोर थिंग, ध्यान से देखिएगा, ये तरीका है पेसमेकर लगाने का, डिवाइस आपको दिख रहा है, इस डिवाइस को एडमिनिस्टर किया गया है डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। कहां पर पुट किया बच्चों? राइट एट्रियम, दैट एवरीबॉडी नो वेरी वेल कि राइट एट्रियम के सुपीरियरली जस्ट नियर टू द सुपीरियर वेना कावा कौन लोकेटेड होता है? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। कौन लोकेटेड होता है? साइनो एट्रियल नोड लोकेटेड होता है बच्चों, और वहीं हमने इस डिवाइस को पुट किया, दैट बिकम्स अ पेसमेकर। ओके फाइन, लगाने के बाद इस तरीके से दिखता है बच्चों, स्किन के अंडर लगता है, इस तरीके से विजिबल होगा जब आप पेशेंट की बॉडी को देखेंगे, इस तरीके से विजिबल होगा बच्चों, दैट इज अ पेसमेकर। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है पेसमेकर पे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पेसमेकर के इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज करते हैं? होल्टर मॉनिटरिंग। याद रखिएगा, होल्टर मॉनिटरिंग का मतलब होता है द डिवाइस, डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड 24 आवर्स हार्ट एक्टिविटी। मतलब सीधा आपके हार्ट की 24 घंटे की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस को क्या कहेंगे? हॉल्टर मॉनिटर कहेंगे बच्चों। 24 आवर्स के एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस को क्या कहेंगे? हॉल्टर मॉनिटरिंग कहेंगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक और बात आपको बता देता हूं, इवन हॉल्टर मॉनिटरिंग का यूज होता है टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसअर्थमिक ड्रग बच्चों। एंटी डिसअर्थमिक, किसी पेशेंट को एंटी डिसअर्थमिक ड्रग चल रही है और उसके इफेक्टिवनेस का पता लगाना है, तो भी हमें हॉल्टर मॉनिटरिंग करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? हॉल्टर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से, और आपका आंसर सही होना चाहिए। एक और खास बात, जब भी हम किसी प्रकार का डिवाइस आपके बॉडी में प्लेस करते हैं तो ब्लड क्लॉट होने का रिस्क होता है, ब्लड क्लॉट होने का रिस्क होता है, और ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? एंटीकोगुलेंट, और ये लाइफ लॉन्ग यूज करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। थैंक यू रविंदर कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रियंका, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट ड्रग लेना पड़ेगा जब तक पेसमेकर डिवाइस आपके बॉडी में प्लेस है। इवन यदि आपको पेसमेकर लगा हुआ तो एमआरआई सीटी स्कैन को अवॉइड करना, एमआरआई और सीटी स्कैन को अवॉइड करना है, इट मे बी कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर व्हेन कैरिंग ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब वो मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, क्लाइंट एट 12 वीक जेस्टेशन, हु हैज क्लास सेकेंड कार्डियक डिजीज ड्यू टू मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, कौन सा वो एंटीकोगुलेंट आप यूज करोगे एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर उस मदर को जो मदर प्रेग्नेंट है और उसको 12 वीक की प्रेगनेंसी है। प्रॉब्लम क्या है? क्लास सेकेंड कार्डियक डिजीज किसकी वजह से हुआ है? मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की वजह से। तो कौन सा ड्रग दोगे, कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करोगे? ऑप्शन में लिखा हिपेरिन, ऑप्शन में लिखा है बच्चों वारफरिन, ऑप्शन लिखा है एनोक्साप्रिन, और ऑप्शन लिखा है आरडीपरिन। क्विक आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना प्लीज बच्चों, समझिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा, आंसर दीजिएगा। मैंने लिखा है कि पेशेंट को कौन सा एंटीकोगुलेंट देंगे, द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर व्हेन द कैरिंग फॉर द प्राइमरी ग्रेविडा, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है जो मदर, उसको प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं, 12 वीक की प्रेगनेंसी है, बट उसको क्लास सेकंड कार्डियक डिजीज डेवलप हुआ ड्यू टू मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से। देखिए क्वेश्चन ने बहुत घुमाने की कोशिश की, बट जेआईएनसी के जो आर्मी मैन है उन्होंने तो ठान लिया कि इस बार नॉर्सेट पार, और आपका आंसर 200% सही है बच्चों, हिपेरिन, बिकॉज वारफरिन जो है ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बिकॉज कैन कॉज माल फॉर्मेशन कॉज कर सकती है, तो इसको हम नहीं देते हैं। एनोक्साप्रिन को लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन बोलते हैं,
लो मोलिकुलर वेट जो है वो हिपेरिन है बच्चों, एंड आरडीपेरिन ऑल्सो वन ऑफ द एंटी कोगुलेंट, ये भी एक तरह की एंटी कोगुलेंट है, बट हिपेरिन जो है नेचुरल एंटी कोगुलेंट, आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, नेचुरल एंटी कोगुलेंट है और हिपेरिन प्रेगनेंसी का बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस और या बेस्ट ड्रग ऑफ एंटी कोगुलेंट कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सुपर। इवन हिपेरिन डज नॉट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, हिपेरिन जो है डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा तो फीटस जो होगा, फीटस होगा वो एकदम सेफ होगा, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, डज कैन नॉट क्रॉस, क्योंकि वारफरिन तो क्रॉस करता है, वारफरिन तो क्रॉस कर लेता है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन एडमिनिस्टर बाय विच रूट, कौन से रूट से, क्योंकि एग्जाम में हिपेरिन वारफरिन लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन पे एक एमसीक्यू तो बनता है बच्चों, नॉर्सेट 2021 में। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं बच्चों आपको, आगे बहुत कुछ अभी बाकी है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन को एडमिनिस्टर करते हैं कौन से रूट से, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको क्विक आंसर पुट करना बच्चों। मैंने लो मॉलिक्यूलर वेट जो है हिपेरिन को कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, विच इज द प्रीफरेबल रूट, बच्चों ने यहां पर सबकुटेनियस लिखा ज्यादातर ने, तो सही आंसर होगा बच्चों याद रखना सबकुटेनियस का नाम है एनोक्साप्रिन, एडमिनिस्टर सबकुटेनियस ओनली रिकमेंडेड साइट ऑफ क्लाइंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन को कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों इसका भी एंटीरियोलेटरल और पोस्टीरियोलेटरल, मतलब ये पेशेंट का एब्डोमन है और इसको आप देखोगे ये आगे का हिस्सा, इसको एंटीरियर बोल सकते दोनों तरफ और पोस्टीरियर बोल सकते, दिस अ पोस्टीरियो, मतलब आप एब्डोमन के लेटरल में आगे लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, पीछे इधर लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, तो ये आपकी एंटीरियोलेटरल हो गया और ये आपकी पोस्टीरियोलेटरल साइट हो गया एब्डोमन में, ये प्रीफरेबल साइट है, ये प्रीफरेबल साइट है फॉर पेशेंट हैविंग लो मॉलिक्यूलर। मैं लिखा एंटीडॉट प्रोटामिन सल्फेट, इवन बच्चों आगे पढ़ेंगे हम हिपेरिन का एंटीडॉट भी कौन होता, प्रोटामिन सल्फेट होगा, हिपेरिन का एंटीडॉट क्या होगा, प्रोटामिन सल्फेट ही होगा। शुक्रिया रघुवीर परिहार, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने आपको हिपेरिन का इमेज पुट, एनोक्साप्रिन का इमेज पुट किया है, ये आपको एंटीरियोलेटरल साइड दिख रहा है, ये आपको पोस्टीरियोलेटरल साइड दिख रहा है, ये आपको इंजेक्टेबल इंजेक्शन, क्योंकि एम्स आजकल क्या करने लगा है, बदमाशी करता है, इस तरीके के इंजेक्टेबल इंजेक्शन का फोटो देगा और सीधा पूछेगा, इंजेक्टेबल इंजेक्शन का फोटो देख के आपको सीधा आंसर लिखना होगा कि सही आंसर क्या होगा, इंजेक्शन का इमेज आपको दिखेगा, यहाँ पर मैंने एनोक्साप्रिन सोडियम लिखा हुआ है, एनोक्साप्रिन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन होता है और डायरेक्टली आपको पुट करना होगा, मतलब फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ईसीजी का इमेज आपको दिख रहा होगा, एक ईसीजी का इमेज आपको दिख रहा होगा, फाइंड आउट करके आप मुझे बताएं ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईसीजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्विक आंसर पुट करेगा, अपने नॉलेज को रिकॉल करें रिमाइंड करें, ईसीजी को देखें, सही आंसर पुट करेगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर, फटाफट लिखिएगा बच्चों। यहां पर आप देखोगे यहां पर आर वेव दिख रहा है, यहां पर आर वेव दिख रहा है, बट आर वेव के बीच में जो वेव है वो डज नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, वो करेक्ट नहीं दिख रहा है, वो करेक्ट नहीं दिख रहा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मतलब यहां पर पी वेव नहीं दिख रहा ठीक से, क्विक आंसर पुट करिएगा, फाइंड आउट करिएगा सही क्या होगा, मैंने एक इमेज पुट किया ईसीजी का, आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने एट्रियल फ्लटर लिखा हुआ है, क्या बात है बदमाश बच्चों, एट्रियल फ्लटर आपका सही आंसर है। मैं बताना चाहूंगा एट्रियल फ्लटर होता क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे से फाइंड आउट किया है, क्योंकि यहां पर पी वेव कहीं नहीं दिख रहा है, तो पी आर इंटरवल, देखिए पी वेव ठीक से नहीं दिख रहा है तो बच्चों पी आर इंटरवल भी हम मेजर नहीं कर सकते, आपको क्लियर दिख रहा होगा, जब हम पी वेव का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो हम पी आर इंटरवेल को कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, मतलब आपने सही लिखा एट्रियल फ्लटर, इट्स योर राइट आंसर, इट्स योर राइट आंसर। देखिएगा
एट्रियल फ्लटर का मतलब क्या होगा, योर अपर चेंबर एट्रिया बीट टू क्विकली, दिस कैन कॉज हार्ट टू बीट इन अ फास्ट रेगुलर रिदम। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था पी वेव, मैंने कहा था आपको अभी पी वेव रिप्रेजेंट करा था एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को। जब वेव क्विक आएगा तो पी वेव की कॉन्ट्रेक्टिविटी भी फटाफट होगा, और जब फटाफट होगा तो पी वेव को उतना टाइम नहीं मिलेगा, 0.12 सेकेंड तक का नहीं मिलेगा, तो प्रॉपर पी वेव नहीं बनेगा, पी वेव प्रॉपर नहीं बनेगा। मैंने क्लियर लिखा है मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल रिदम होगा। एग्जाम आता है कि इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना होगा, 250 से ज्यादा होता है, 350 तक, और जब 350 से ज्यादा होगा, 350 बीट पर मिनट से ज्यादा होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाएगा, वो एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाएगा कब, जब पेशेंट का हार्ट रेट 350 से ज्यादा होगा, देन ओनली वी कैन से एट्रियल फिब्रिलेशन। इवन पी वेव मैंने कहा नहीं दिख रहा था, नॉट ऑब्जर्वेबल, और पी आर इंटरवेल जो है नॉट मेजरेबल। इन दो कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना। आपकी ईसीजी ऐसे थी बच्चों, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा 1 2 3 लाइक, अगेन 1 2 3 देन लाइक, मतलब सीधा है हमें पी वेव का प्रॉपर पता नहीं चल रहा, तो मैंने क्या लिखा, पी वेव नॉट ऑब्जर्वेबल। जब पी वेव को पता नहीं चल रहा है तो पी आर इंटरवेल का पता नहीं चलेगा, तो पी आर इंटरवेल नॉट मेजरेबल। और ये जो शेप बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है, इन शेप को क्या बोलते हैं बच्चों, स्वाटूथ शेप। क्या बोलते हैं, स्वाटूथ शेप। तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखना होगा, तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखना होगा। जब भी हम बात करें एट्रियल फ्लटर का, तो पल्स रेट 250 से ज्यादा होगा, पी वेव ठीक से नहीं दिखेगा, पी आर इंटरवेल मेजर नहीं होगा, और जो शेप बनेगा वो स्वाटूथ शेप होगा बच्चों, स्वाटूथ शेप सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन। बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2828, फटाफट एक बार थम जरूर दिखाएं, लाइक करें, देन क्लास को लगातार कैरी ऑन करेंगे। बता दिया था मेगा मैराथन क्लास होगा हर डे, इतना कंटेंट जो आपके लिए प्रिपेयर किया गया है वो पूरा आपको डिलीवर किया जाएगा। यू शुड नीड टू स्टे विद जीम JINC बच्चों, आपको JINC परिवार के साथ स्टे करना है और हर उस कंटेंट को लर्न करना। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट ECG को देखने की कोशिश करिएगा, यहां पर तो पूरी कहानी बदल चुकी है, यहां पर तो पूरी कहानी बदल चुकी है। ये ECG क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर कुछ भी काउंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी काउंट नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन पुट द राइट आंसर, एवरीवन पुट द राइट आंसर। अब आप मुझे पुट करके बताइए कि एग्जैक्टली ये ECG क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, क्विक लिखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम। मैंने क्लियर लिखा है पी वेव अब्सेंट है, देखिए यहां पर कहीं पर भी पी वेव नहीं बना, कहीं पर भी पी वेव नहीं बना। जब पी वेव नहीं बना मतलब पी वेव गायब है, पी वेव अब्सेंट होगा। और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखिएगा बच्चों, देखिए ये आपका हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, अगेन बच्चों Q R S। ये मैंने कहा था नॉर्मली QRS 0.08 सेकेंड या टू स्मॉल बॉक्स का होता है। और यहां पर आप देखोगे तो कम से कम 6 to 10 हो रहा है, 6 to 10 हो रहा है, मतलब ये फाइंडिंग इंडिकेट करी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बच्चों क्या बात है, क्या बात है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। लॉन्गर देन फॉर 0.12 सेकेंड, द रेट 140 to 180 इंपल्स याद रखना, कि VT में पल्स रेट कितना होता है, 140 से 180। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया एवरीवन। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव ऑन करने से पहले, NORSET 2021 स्पेशल टेस्ट सीरीज अवेलेबल बच्चों, जहां पर 21 टेस्ट है, और इसमें इमेज बेस के 200 MCQ भी है। जब सब फोटो वाले क्वेश्चन होंगे, इसका प्राइस बच्चों 350 लिखा हुआ है, 350 रुपए इसका प्राइस होगा, ऑफर 25 अक्टूबर तक।
तरीका सिंपल है आपको 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना होगा, और या आप प्ले स्टोर में जाके JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। याद रखना बच्चों, आपने पास लिमिटेड टाइम है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, हेल्थ का ध्यान रखना और एक ही जिद रखना सुबह उठते और रात को सोते कि इस बार नॉर्सेट को पार करना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े इस बार नॉर्सेट को पार करना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखेंगे एक और ईसीजी का फोटो बच्चों, एक और ईसीजी का फोटो ध्यान से देखना। मैं आपको हिंट देता हूं समझना, ये जो दिख रहा है पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। अगेन देखना बदमाश बच्चों, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी। फिर से देखिएगा, अगेन पी, क्यू, आर, एस, टी। इस पिक्चर में ये दिख रहा है जो ये पी आर इंटरवल है वो लगातार नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, लगातार नॉर्मल से ज्यादा एक्सीड आ रहा है बच्चों। सोच के आंसर दीजिएगा। यहां पर इस ईसीजी को देखे बदमाश बच्चों, आप इस ईसीजी को देखेंगे तो यहां पर पी और आर के बीच का जो गैप है वो गैप कम से कम 7 to 8 box का। यहां पर आप देखिएगा लगातार पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है। तो आंसर क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बच्चों, यहां पर एवी ब्लॉक क्लिक रहे हैं कुछ एटीएल फिब्रिलेशन। अरे बदमाश बच्चों, जब भी आपका जो पीआर इंटरवल है ये मोर देन 0.20 सेकंड हो जाता है और ये कांस्टेंट का मतलब ये लगातार यदि एक्सीड है, ये किसमें होता है हार्ट ब्लॉक। अब आपको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी याद आ गया, वहां कोई नहीं बताएगा बदमाश बच्चों, खुद को फाइंड आउट करना होगा। बिल्कुल आपका आंसर सही है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, सेकंड डिग्री होगा, सेकंड का सेकंड होगा या थर्ड डिग्री होगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने। क्विक आंसर पुट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि इस ईसीजी को देख के फाइंड आउट करना है क्या एबनॉर्मलिटीज आपको दिख रहा है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर फर्स्ट डिग्री लिखा है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। और फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या हुआ पीआर इंटरवल जो है वो नॉर्मल 0.20 सेकंड से लगातार बढ़ा हुआ है। एक वर्ड को याद रखना, कांस्टेंट के बाद याद रखना एक्सीड मोर देन नॉर्मल। मतलब आप सारी ईसीजी में पीआर इंटरवल लगातार बढ़ा हो तो समझ आना फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है। बहुत अच्छे से याद करना। हम एक एक एमसीक्यू को यहां पर जिक्र करें, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में पीआर इंटरवल लगातार बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा है बच्चों। ओके फाइन, अब यदि हम बात करें सेकेंडरी एवी ब्लॉक में, तो सेकेंड डिग्री में दो है, सेकेंड डिग्री का फर्स्ट जिसका नाम है मोबिट्स, याद रखिएगा नॉर्सेट का एमसीक्यू है, याद रखना नॉर्सेट के एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, नॉर्सेट का एमसीक्यू बच्चों, नेक्स्ट भी नॉर्सेट का आएगा, यहां पर भी मैंने नॉर्सेट पढ़ा है। देखिए सेकेंड डिग्री अभी ब्लॉक में हमने फर्स्ट टाइप पुट किया जिसका नाम है मोबिट्स, वेंकेबच भी बोल सकते हैं, मोबिट्स भी बोल सकते हैं, ये मोबिट्स फर्स्ट है बच्चों, मोबिट्स फर्स्ट है, अगला मोबिट सेकेंड होगा। आप इस ईसीजी में देखोगे तो पीआर इंटरवल शॉर्टर आफ्टर ड्रॉप्ड बीट, मतलब बीट जैसे ड्रॉप हुआ तो पीआर इंटरवल नॉर्मल आया, फिर आपका वाइड हुआ, फिर वाइडर हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, मतलब ड्रॉप होने के बाद में पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद में पीआर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद शॉर्ट हो रहा है, दैट इज अ सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक का फर्स्ट टाइप, इसका नाम है मोबिट्स। क्या नाम है बच्चों? मोबिट्स है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन एग्जाम का वही मैंने पुट किया है, सेकेंड डिग्री का सेकेंड जिसको मोबिट सेकेंड या हे बोलते हैं बच्चों। डिजीज ऑफ डिजिटल कंडक्शन सिस्टम इज अ परकंजी फाइबर, क्या लिखा, सडन ड्रॉप ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मजेदार। यहां पर देखिएगा पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है,
यहां P दिखा QRS गायब, QRS गायब, यहां पर P दिखा QRS गायब, जहां पर QRS ड्रॉप हो रहा है, जहां पर QRS ड्रॉप हो रहा है वो सेकेंड डिग्री का सेकेंड है, जहां पर P, देखिए फिर से जिक्र कर रहा हूं, PR ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद नैरो हुआ, सेकेंड डिग्री का फर्स्ट का नाम है मोबिट्स वन, और सेकेंड डिग्री का सेकेंड की बात करें जहां पर QRS कॉम्प्लेक्स हुआ जिसका नाम है मोबिट्स सेकेंड, मोबिट सेकेंड। ये तीन टाइप्स के एबी ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में दो। अब थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों, अब थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड डिग्री में कुछ भी नहीं है। यहां पर आप देखिएगा ये पी है, ये आर है, ये पी है, ये आर है, ये पी है, ये आर है, मतलब कहीं पर भी पी आर कॉन्स्टेंट नहीं है, इरेगुलर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो कॉन्स्टेंट पी आर, मतलब यहां पर ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है, मतलब कहीं कॉन्स्टेंट नहीं है, कहीं कॉन्स्टेंट नहीं है। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थर्ड डिग्री। क्या लिखोगे, थर्ड डिग्री। देखिए हम एवी ब्लॉक की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट, हम एवी ब्लॉक की बात करें, फर्स्ट डिग्री की हम बात करें, तो यहां पर पी आर जो था वो एक्सीड द मोर देन 0.20 सेकंड, बड़ा आसान है, और एक्सीड कॉन्स्टेंट था। वही इंटरवल में बात करें, सेकेंड डिग्री की बात करें, सेकेंड में फर्स्ट की बात करें, तो यहां पर पी आर जो क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, और ड्रॉप होने के बाद क्या हो रहा था, नैरो हो रहा था। तो समझ आना ये सेकेंड डिग्री का फर्स्ट है। दूसरा सेकेंड डिग्री के सेकेंड की हम बात करें तो यहां पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो था वो ड्रॉप हो रहा था, क्या हो रहा था बच्चों, ड्रॉप हो रहा था। वहीं थर्ड की बात करें, एवी ब्लॉक थर्ड की बात करें, यहां नो कॉन्स्टेंट, नो रेगुलर, नो रेगुलर पी आर, यहां पी आर जो है वो रेगुलर नहीं है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, इस तरीके से आपको याद रखना होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, प्रोफिलैक्टिक हिपरिन, यहां पर देखिएगा प्रोफिलैक्टिक हिपरिन, प्रोफिलैक्टिक हिपरिन थेरेपी इज ऑर्डर टू ट्रीट थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। देखिए थ्रोम्बोफेलिबाइटिस लिखा हुआ है, मतलब वहां पर पेशेंट की वेन में ब्लड जो है ये क्लॉट भी है, और उसके साथ में वेन में इंफ्लामेशन भी है, वेन में इंफ्लामेशन भी है, और इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं बच्चों, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। In a multi-parish client who delivered 24 hours ago, after instructing the client about the medication, the nurse determined that the client understand the instruction when she stated which of the following as the purpose of the drug. मतलब सीधा पूछा है कि पेशेंट को हिपरिन थेरेपी दिया हुआ है, पेशेंट को थ्रोम्बोफेलिबाइटिस था, multi-parish client, मतलब अगेन प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें, क्लाइंट अबाउट द मेडिकेशन, क्या फर्दर क्या जो है वो पर्पज होगा इस ड्रग का। एक लिखा थिन द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को थिन करने का पर्पज होगा। बी में लिखा इंक्रीज द लोकियल फ्लो, सी में लिखा है टू इंक्रीज द हेल्प परस्पायरेशन ऑफ डायरेसिस, और डी में लिखा हुआ है टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। थोड़ा सोच के आंसर लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थोड़ा सोच के आंसर लिखना। शुक्रिया वीर, सोच के आंसर लिखना बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि हिपरिन देने का पर्पस क्या। सीधा बताऊं तो मैं आपको, सीधा बताऊं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, और गलत तो होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं है, आपको आंसर आता है, आपको आंसर पता है बच्चों, आपको सोच के आंसर लिखना है, गलत नहीं करना, नहीं आए तो वेट करना है। डी लिखा है बिल्कुल, क्योंकि हिपरिन थेरेपी का मेन पर्पज होता है टू प्रिवेंट क्लॉट, तो यहां डी में क्या लिखा है, टू प्रिवेंट क्लॉट। देखिए इसने क्वेश्चन में बहुत डराया धमकाया, मैं बता देता हूं, जब भी पेशेंट को हिपरिन चल रहा है और हिपरिन की इफेक्टिवनेस का पता लगाना है, हिपरिन की इफेक्टिवनेस का पता लगाना है, तो हम एपीटीटी करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एपीटीटी करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, द एपीटीटी टेस्ट विल हेल्प टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ द हिपरिन। मैं शॉर्टली आपको हिपरिन के बारे में बता देता हूं, जहां क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से, फटाफट आप देख लीजिएगा। हिपरिन का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है बच्चों, पहला एमसीक्यू। दूसरा बेसोफिल का मास सेल इसको सिक्रीट करता है, दूसरा एमसीक्यू एग्जाम में सीधा आता है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है हम कह सकते हैं इट्स नेचुरल,
इट्स अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सिक्रीट करता है, तो आपको आंसर बेसोफिल लिखना होगा बच्चों, कौन सिक्रीट करता है तो बेसोफिल लिखना होगा। अब हिपरिन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मैंने लिखा है, ड्यूरिंग सर्जरी, डायलिसिस, कार्डिक सर्जरी, सेफ इन प्रेगनेंसी। सीधा एमसीक्यू है कि विच एंटीकोगुलेंट विल आर रिस्पॉन्सिबल टू यूज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि यहां पर जो हिपरिन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है, बिकॉज डज नॉट कैन क्रॉस प्लासेंटा। ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करेगा तो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। शुक्रिया रीवा, शुक्रिया बच्चा। इवन कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने लिखा है कि हम कभी भी एस्प्रिन के साथ नहीं देंगे, और एस्प्रिन को बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MI, और एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है। रूट सबकुटेनियस है, कॉमनली हम IV प्रीफर कर सकते हैं, और नेवर गिव इंट्रामस्कुलर, इट कैन कॉज हेमेटोमा, कभी भी नहीं देंगे इंट्रामस्कुलर, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, याद रखिएगा बदमाश बच्चों। हिपेरिन पे 200% नॉर्सेट में MCQ आएगा, 200% आपसे पूछेंगे 2021 में हिपेरिन पे। यू विल बी रेडी एवरीबडी, इवन क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर पुट कर सके। मैंने यहां पर लिखा है कि हिपरिन क्या कॉज कर सकता है, सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, क्योंकि ओवर डाइल्यूशन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके फाइन, बी में लिखा हुआ है हाइपरकैलेमिया कर सकता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। मिनिमम इफेक्ट पूछते, एक बार यदि हिपरिन आपने किसी पेशेंट को दिया तो अगले 6 घंटे तक काम करेगा, 6 आवर्स तक वर्क करेगा, 6 आवर तक काम करेगा, और ज्यादा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग। और इसको बचाने के लिए हम क्या देंगे, प्रोटामिन सल्फेट। अभी आपने देखा होगा लो मॉलिक्यूलर वेट हिपरिन जो था उसका भी एंटीडॉट क्या था, एंटीडॉट प्रोटामिन सल्फेट। तो ये दो जगह यूज कर सकते हैं। हम एक तो यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग क्या बोलते हैं एनोक्साप्रिन के टॉक्सिटी को रोकने के लिए, और दूसरा हिपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्लाइंट विद द पार्शियल ऑक्लूशन ऑफ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, मजेदार MCQ, ए क्लाइंट विद द पार्शियल ऑक्लूशन ऑफ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी टू डिस्चार्ज व्हाइल स्टिल रिसीविंग वारफरिन। उस पेशेंट को अभी भी वारफरिन चल रहा है और छुट्टी की जा रही है, विच क्लिनिकल एडवर्स इफेक्ट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ रीजन फॉर द क्लाइंट सीक मेडिकल कंसल्टेशन। मतलब वो कौन सा एडवर्स इफेक्ट दिखा दैट नर्स आइडेंटिफाई शुड नीड कंसर्न विद द डॉक्टर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है, क्लाइंट विद द पार्शियल ऑक्लूशन ऑफ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज टू बी डिस्चार्ज। अब इसको समझ के आंसर लिखना होगा। ऑप्शन आपके सामने, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, क्या पेशेंट को वारफरिन चल रहा था। आपको अच्छे से पता है बच्चों वारफरिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। बच्चों याद रखना। दूसरा, क्या हम इस पेशेंट के उस साइड इफेक्ट को देख पा रहे हैं कि यूरिन में यदि ब्लड प्रेजेंट है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरा लिखा है इंक्रीज स्वेलिंग ऑफ द एंकल। तीसरा, डिमिनिश एबिलिटी टू कंसंट्रेट। चौथा, अकरेंस ऑफ द ट्रांजिएंट इश्मिक अटैक। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट लिखिएगा विच इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ब्लीडिंग होने का चांस होगा, और यदि ब्लीडिंग हुआ तो पेशेंट को यूरिन में ब्लड आएगा, और यूरिन में ब्लड आएगा तो हम कंसल्ट करेंगे डायरेक्टली डॉक्टर के साथ में। वारफरिन कैन कॉज इंक्रीज द प्रोथामिन टाइम रिजल्टिंग लीडिंग देन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये ए वाला जो इंटरवेंशन है दैट इंडिकेटिंग ब्लड विथ यूरिन वी कैन कंसर्न विद द डॉक्टर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट मैंने वारफरिन के बारे में शॉर्टली बताना चाहता हूं क्या क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ऑरल एंटीकोगुलेंट कौन सा, तो आपको वारफरिन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि डोज कितना देता है, 5 to 6 mg per dl,
5 to 6 mg पर डे हम डोज दे सकते हैं। तीसरा एस्पिरिन के साथ नहीं देते हैं। चौथा एंटीडोट कौन है, विटामिन के, जिसको बोलते हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं। दैट वी कैन से विटामिन के माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन याद रखना मैक्सिमम 48 आवर्स तक काम करता है ये ड्रग। हमने आपको हिपरिन पढ़ाया तो मैंने आपको 6 आवर लगा, क्योंकि हिपरिन कौन सा था बच्चों, आईवी एंटी कोगुलेंट था। वारफरिन ऑरल है तो अगले 48 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहेगा, 48 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था ना कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वारफरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है। देखिए कॉनरेडी ह्यूमरमैन सिंड्रोम या फीटल वारफरिन सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे ही पेशेंट को आपने वारफरिन दिया और वारफरिन ने क्या किया, वारफरिन आर रिस्पॉन्सिबल कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंटर इन टू द फीटस और फीटस में जाके क्या कॉज कर देगा, कॉर्नेडी हुनरमैन सिंड्रोम कॉज कर देगा, जिसमें पेशेंट का स्केलेटल मालफॉर्मेशन होगा, स्किन अबनॉर्मिटीज होगी, कैटरेक्ट और शॉर्ट स्टेचर होगा। ये बच्चे को आप देख सकते हो जिसको हुनरमैन सिंड्रोम है। बच्चों हुनरमैन सिंड्रोम में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है कि वाई वारफरिन डज नॉट एडमिनिस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डेफिनेटली हमें आंसर क्या लिखना है, क्योंकि वारफरिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बैरियर को क्रॉस कर सकता है और डेफिनेटली वो बच्चे में जाकर के कॉनरेडी हुनरमैन सिंड्रोम कॉज कर सकता है। क्या बात है बच्चों, सुपर पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लासें का टाइम बढ़ेगा, आपको खुद को रिचार्ज रखना, मोबाइल नहीं खुद को रिचार्ज रखना है, क्योंकि दुनिया में सबसे टफ काम होता स्टडी करना, टफ काम होगा स्टडी करना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अपनी आदत को यदि वो बदलना चाहे तो उनके लिए सबसे बड़ी टास्क होती है। मतलब डिसलाइक को लाइक करना बहुत मुश्किल होता है, डिसलाइक को लाइक करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप किसी को बोल दोगे बच्चे को कि जा बेटा मोबाइल पे गेम खेल, जा यूट्यूब पे वीडियो देख, जा फेसबुक देख, जा इंस्टाग्राम देख, तो टाइम पास होता जाता है और हम धीरे धीरे उन एक्टिविटी के एडिक्टेड होते जाते हैं। और हमें पता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट उसके बावजूद हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज वी लाइक इट। हमें मोबाइल का यूज करना अच्छी बात नहीं है, हमें मोबाइल अच्छी चीजें नहीं सिखा रहे, बट हम पढ़ने की बात जब आएगी वी कैन नॉट कंसंट्रेट। हम मोबाइल पे 4 घंटे बिता लेंगे बट पढ़ाई के लिए 4 मिनट को बिताना बहुत मुश्किल होता, बिकॉज वो लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है। और जब आप डिसलाइक को लाइक करने लग जाओगे और जिंदगी में सफल हो गए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके आगे बढ़ने से। और दैट इज अ वे हाउ टू क्रैक नॉर्सेट 2021। इस समय उन सारे सब्जेक्ट से प्यार करो, आपका मन नहीं होगा लगातार बैठने का, आपको कभी कभी मोनोटोनस लगेगा, आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कि हम 12-15 घंटे पढ़े। बट एक ही बात कहना खुद से कि आज वक्त मेरा है और जो मुझे करना है वो आज ही करना है, 1 महीने बाद मेरी दुनिया बदलेगी और जीऊंगा अपनी दुनिया को अपनी तरीके से। बस ये मौका हाथ से नहीं जाना बच्चों, चाहे कैसे भी करें हमें फिर उठना है, खड़ा होना है, चलना है, मेहनत करना है। और 1 महीने बाद अपने बदलती हुई नकवी को देखोगे, बदलती हुई लाइफ को देखोगे और ठीक नॉर्सेट के सिलेक्शन के बाद, जॉइनिंग के 3 महीने बाद आप फ्लाइट में दिखोगे। बच्चों आई नो वेरी वेल, आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दैट टर्मिनल दैट आई वॉन्ट टू सी। इफ सच में आप साइकिल से फ्लाइट पे जाना चाहें तो इस समय कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी डिसलाइक हो, एक भी क्लास को मिस कर मत करना, क्योंकि इस क्लास के पीछे एक सपना है, एक सिद्धत है, एक मेहनत है, एक डेडिकेशन है आपको सक्सेस होते हुए देखने का। और इसी जिद और जुनून के लिए
तीन से चार घंटे रोजाना आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है बच्चों। और इस चार घंटे कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए पहले ही कम से कम 10 घंटे लगते बच्चों। आप जितना पढ़ रहे हो आपके टीचर भी उतनी मेहनत कर रहे हैं आपको सक्सेस होते हुए देखने के लिए। इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं डेडिकेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखेगा, अपने जुनून और जज्बे को इसी तरीके से बनाए रखेगा, वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, कैरी ऑन करते हैं बच्चों क्लास को फर्दर। विल मूव फर्दर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जैक्टली वॉट एमसीक्यू वॉन्ट टू से बच्चों। क्वेश्चन कहता है क्लाइंट इन अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अबाउट टू बी डिफिब्रिलेटर। मतलब पेशेंट को वेंट्रिकुलर वीटी और वीएफ का ट्रीटमेंट ही डिफिब्रिलेशन होता है। ए क्लाइंट इन अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अबाउट टू बी डिफिब्रिलेट। नर्स नो दैट टू कन्वर्ट दिस रिदम इफेक्टिवली द मशीन शुड बी सेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल। मतलब हमें पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है और मशीन को सेट करके फर्स्ट डिलीवरी कितना करंट जूल आप डिलीवर करोगे। आप डिलीवर करोगे बच्चों 50 जूल, 100 जूल, 200 जूल और 360 जूल। फटाफट आंसर पुट करना बच्चों, फटाफट आंसर पुट करना। अभी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों। 200 जूल लगातार आपका आंसर आ रहा है। फर्स्ट डिलीवरी जब भी हम देंगे वो 200 जूल की होगी और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है डिफिब्रिलेशन। ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है बच्चों डिफिब्रिलेशन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया किट्टू, मैंने यहां पर मेंशन किया है कि जब भी आप पेशेंट को शॉक डिलीवर करोगे तो पहला शॉक 200 जूल का होगा, दूसरा शॉक 200 to 300 जूल का होगा और तीसरा शॉक 360 जूल का होगा। ये तीन बार हम डिलीवर कर सकते हैं। 3 times वी कैन डिलीवर इफ द पेशेंट हैव वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और एक बात और ध्यान रखना, यदि आप किसी पेशेंट को डिफिब्रिलेट कर रहे हो, पेशेंट को ऑक्सीजन चल रहा है, तो डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले ऑक्सीजन को शट ऑफ करें, ऑक्सीजन को बंद करें, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल करंट कैन कॉज फायर। आग लग सकती है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डियर नर्स के पास होना चाहिए। जब भी आप डिफिब्रिलेट करोगे तुरंत पेशेंट को ऑक्सीजन को शट ऑफ करना है। बिफोर डिफिब्रिलेटिंग ए क्लाइंट श्योर दैट ऑक्सीजन शट ऑफ टू अवॉइड हजार्ड्स ऑफ फायर। नहीं तो आग लग जाएगी बच्चों, नहीं तो आग लग जाएगी। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ सकते कि जब हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं तो डिफिब्रिलेट करते समय पेडल को कहां प्लेस करना है, पेडल को कहां लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैंने एक इमेज पुट किया है और लिखा कि पेडल कहां प्लेस करेंगे। पहला जो पेडल होगा वो राइट साइड में, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, जस्ट राइट ऑफ द स्टर्नम आपको प्लेस करना है। पेडल को बोलो बच्चा कहां प्लेस करना है। दूसरा कहां प्लेस करेंगे, ठीक लेफ्ट साइड में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ऑन मिड एक्सिलरी लाइन बच्चों, मिड एक्सिलरी लाइन। और प्रेशर कितना देंगे, 25 पाउंड। बच्चों ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। राइट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये दोनों डिवीजन याद रखिएगा, राइट साइड और वी कैन से लेफ्ट साइड। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये तो तरीका हो गया कैसे हम डिफिब्रिलेट को प्लेस करेंगे। अब आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया एमसीक्यू विथ थ्योरी बैच जहां पर 500 आवर्स प्लस रिकॉर्डेड एमसीक्यू है बच्चों, रिकॉर्डेड एमसीक्यू जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट होगा, जिसमें कंप्लीट एनक्लेक्स होगा, इमेज होगी बच्चों और वीडियो होंगे और इसकी वैलिडिटी बच्चों टिल नॉर्सेट एग्जाम। मतलब आप यदि शॉर्ट टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करके नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना चाहते हो तो एमसीक्यू विद थ्योरी बैच क्रैश कोर्स अवेलेबल है।
ऑफर 28 अक्टूबर तक रह गया, ऑफर को 28 अक्टूबर तक कर दिया है, प्राइस 3500 होगा बच्चों। मैं कहता हूं जिन्होंने इस कोर्स को पढ़ा, जिन्होंने कोर्स को लिया, दे रिव्यू इट और बताया बच्चों ये कितनी बड़ी ताकत बन चुका है एमसीक्यू बैच। मतलब आपने अभी बीएससी नर्सिंग किया है, आपका रिजल्ट आया है, आपका रजिस्ट्रेशन आने वाला है, आपके पास एक महीने का टाइम है और आपने सपना देखा है नॉर्सेट में सेलेक्ट होने का, तो जरूर एक बार इसको रिव्यू करना, स्पीड करके 10 से 14 घंटे डेली पढ़ना, पूरा सिलेबस थ्योरी के साथ कवर होगा और आप वो कर सकते हो जो आपने सोचा है। डरना नहीं, जगना है, लड़ना है, फाइट करना है और इस कोर्स के द्वारा आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तरीका सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाना, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है और एमसीक्यू बैच को परचेज करना है। जिन बच्चों ने जेएनसी का फुल नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स ले रखा है ऑनलाइन उसको ₹2500 और जिन्होंने ऑफलाइन स्टडी कर रखा है उनको सिर्फ ₹2000 पे करना है 9636032691 पे बच्चों पे करना होगा आपको और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द हार्ट साइनो एट्रियल नोड इज टर्म्ड एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हार्ट साइनो एट्रियल नोड इज टर्म्ड द, क्या बोलेंगे, नेचुरल पेसमेकर बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज बोलेंगे या बच्चों एस्कॉफ टावरा नोड बोलेंगे। आपको फटाफट आंसर पुट करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, हार्ट के ऐसे नोड को किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, हार्ट के ऐसे नोड को किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, फटाफट आंसर पुट करिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया दीपक परमार, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सही आंसर पुट करना शुरू कर दिया है। बच्चों 2600 स्टूडेंट क्लास को वॉच करें, इतना फास्ट आपके आंसर आ रहे, रियली आई प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूं सिस्टमेटिकली और उन डाटा को आपको याद दिला रहा हूं कि यही तो आने वाले नॉर्सेट 2021 में। ऑलमोस्ट बच्चों ने नेचुरल पेसमेकर लिखा है, नेचुरल पेसमेकर लिखा ऑलमोस्ट बच्चों ने, बिल्कुल सही आंसर आपका नेचुरल पेसमेकर जिसको ऐसे नोड बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसी को हम हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं बच्चों, और एक क्वेश्चन और बनता है कि हार्ट ऑफ हार्ट के साथ पल्स रेगुलेटरी सेंटर किसको कहेंगे, तो ऐसे नोड को कहेंगे। याद रखना ये आपका जो ऐसे नोड है बच्चों, ऐसे नोड जो है 6200 इंपल्स को सिक्रीट करता है या जनरेट करता है। फिर आपका एवी नोड आता है, एवी नोड जो है ये 40 to 60 इंपल्स पर मिनट को जनरेट करता है। फिर आपका बंडल ऑफ हीज आता है, बंडल ऑफ हिज 40 इंपल्स को जनरेट करता पर मिनट। फिर बच्चों पुरकंजी फाइबर आता है, पुरकंजी फाइबर आता है जो लगभग 20 to 40 इंपल्स पर मिनट जनरेट करता है। याद रखना बंडल ऑफ हिज को न्यूट्रल कहते हैं, ऐसे नोड को रेगुलेट करने के लिए सिंपैथेटिक को पैरासिंपैथेटिक नर्व आएगा, पैरासिंपैथेटिक के साथ वेगस आएगा, 60 to 100 इंपल्स को जनरेट करेगा, एवी नोड 40 to 60 करेगा, बंडल ऑफ इस 40 करेगा, पुरकंजी फाइबर 20 to 40 जनरेट करेगा और इस तरीके से आपका कंडक्शन सिस्टम चलता रहेगा बच्चों, कंडक्शन सिस्टम चलता रहेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैंने बच्चों आपको कुछ टाइम पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया था, इमेज को देखना और मैं लिख देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट 2021। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा, इस इमेज को देख के आप मुझे आंसर बताएं कि इस इमेज को देख करके कौन सी डिवाइस का नाम याद आ रहा बच्चों, कौन से डिवाइस का नाम याद आ रहा बच्चों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट, शुक्रिया बाखा चरण, लव यू टू डियर। इमेज को देख के फाइंड आउट करना है। ओके फाइन, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन आपने, सही है, दैट इज अ हॉल्टर मॉनिटर। बच्चों मैंने कहा था ना कि हॉल्टर मॉनिटर हम यूज कर रहे थे पेसमेकर, पेसमेकर और एंटी डिसअर्थमिक, एंटी डिसअर्थमिक ड्रग्स के इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए यही हॉल्टर मॉनिटर डिवाइस है। 5 लीड्स आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम लगाते हैं और 24 आवर्स की हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने में
ये मदद करता है उस 24 आवर की एक्टिविटी को. फिर हम ग्राफिकल पेपर पर लेके स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि एग्जैक्टली पेशेंट का हार्ट कैसे वर्क करा. याद रखिएगा दैट इज अ हॉल्टर मॉनिटर. ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. क्वेश्चन कहता है कि एपाइकल पल्स कहां फेल्ड करते हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एपाइकल पल्स कहां फेल्ड करते हैं. लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस स्पेस में, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस स्पेस में, राइट फिफ्थ इंटरकोस स्पेस में, राइट सेकेंड इंटरकोस स्पेस में. ये आपका राइट साइड है पेशेंट का, ये आपके पेशेंट का लेफ्ट साइड है. और यहां पर मैं पुट कर रहा हूं राइट और लेफ्ट साइड में. ये फर्स्ट इंटरकोस स्पेस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन और ट्वेल्थ. अब आप मुझे आंसर पुट करिएगा कि हम कहां फेल्ड करते हैं, कहां फेल्ड करते हैं. बच्चों मैंने क्वेश्चन पूछा है एपाइकल पल्स फेल्ड, इन्होंने कोई एज ग्रुप नहीं दिया है, कोई एज ग्रुप नहीं दिया है, तो कहां फेल्ड करते हैं. फटाफट आंसर लिखिएगा, फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों. लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस स्पेस, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस स्पेस. क्विक आंसर, क्विक आंसर बच्चों, क्विक आंसर. ऑलमोस्ट बच्चों ने फिफ्थ इंटरकोस स्पेस लिखा हुआ है, डेफिनेटली आपका आंसर यहां पर करेक्ट होगा. याद रखना लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस स्पेस एट द एरिया ऑफ मिडल वॉल एट मिड क्लेविकुलर लाइन. ये आपका लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस स्पेस है मिड क्लेविकुलर लाइन में. और यहां पर हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, मतलब सीधा ये जो एपाइकल पल्स है इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम, इसी को कहते हैं बच्चों मैक्सिमम इम्पल्स पल्स, मैक्सिमम इम्पल्स पल्स बोलते हैं. और इसी को कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट पल्स, इसी को कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट पल्स. बच्चों याद रखना यही जो होता है इन्फेंट का बेस्ट साइट होता है, इन्फेंट का बेस्ट साइट होता है. और डिगॉक्सिन ड्रग को देने से पहले इसी पल्स को फेल्ड करते हैं, डिगॉक्सिन ड्रग को देने से पहले इसी पल्स को फेल्ड करते हैं, याद रखना. और यही पूछते हैं आपको, यदि आपको बच्चों का पूछते हैं, चिल्ड्रन का, यदि आपको चिल्ड्रन का पूछते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर एपाइकल पल्स कहां है, तो आपको फोर्थ इंटरकोस स्पेस लिखना होगा, लेफ्ट साइड में, एट द मिडल वॉल एट मिड क्लेविकुलर लाइन. फर्क जरूर देखिएगा, कभी बड़ों का पूछते कभी बच्चों का पूछते, तो हमें सही आंसर पुट करना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन का, कार्डिक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. कार्डिक आउटपुट को कौन से फॉर्मूले के द्वारा काउंट किया जाता है, कार्डिक आउटपुट को कौन से फॉर्मूला के द्वारा काउंट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. मैंने लिखा हार्ट रेट माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, बी में लिखा हार्ट रेट डिवाइडेड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, सी में हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम, और डी में हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. क्विक आंसर पुट करेगा. क्वेश्चन कहता है कि कार्डियक आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कार्डियक आउटपुट को. अब आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा. हाउ कैन डिटरमाइन, हाउ कैन डिटरमाइन. चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर को पुट करना है. ज्यादातर बच्चे यहां पर डी लिख रहे हैं, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम पुट किया जा रहा है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम. आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. देखिए आपको अच्छे से पता है बच्चों, हार्ट रेट नॉर्मली हम 72 बीट्स कंसीडर करते हैं, 72 बीट कंसीडर करते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग 70 ml कंसीडर करते हैं. इन दोनों का आप जोड़ो, गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 5040 ml पर मिनट. मतलब सीधा आपका कार्डिक आउटपुट हो जाता है 4500 से 5000 ml होगा 24 आवर्स में. तो दैट इज योर कार्डिक आउटपुट. अब पेशेंट की पल्स रेट आपको पता है तो पेशेंट का कार्डिक आउटपुट आप फाइंड आउट कर सकते हो. आपका सही आंसर बच्चों डी. मैंने लिखा है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट इन एडल्ट 4500 से 5000 ml, और मैक्सिमम हम 7 लीटर कंसिडर करते हैं. कब? जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है, उस समय कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा. कभी कभी आपको पूछेंगे इन्फेंट का कार्डिक आउटपुट, तो सिर्फ 500 लिखना है, सिर्फ 500 लिखना बच्चों. इन्फेंट का पूछे तो सिर्फ 500 लिखना है. स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको बताया 70 से 130 ml पर मिनट के हिसाब से हम कंसीडर, सॉरी पर बीट के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं. और याद रखिएगा यूरिनरी आउटपुट मोस्ट रिलायबल और मोस्ट सेंसिटिव नॉन इन्वेजिव असेसमेंट पैरामीटर
टू फाइंड आउट कार्डिक आउटपुट, मतलब आउटपुट अच्छा होगा तो किडनी को ब्लड मिलेगा, किडनी को ब्लड मिलेगा तो यूरिन अच्छे से पास होगा, तो यदि यूरिन बराबर है तो पेशेंट का कार्डिक आउटपुट बराबर है। यूरिन यदि प्रॉपर नहीं आ रहा है, ओलिग्यूरिया हो रहा है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो समझ आ रहा पेशेंट का कार्डिक आउटपुट क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करना। आफ्टर कार्डियक सर्जरी ए क्लाइंट ब्लड प्रेशर मेजर 126/80, मतलब पेशेंट के सर्जरी के बाद में सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर था वो 126 था और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर था वो 80 था। द नर्स डिटरमाइन दैट द मीन एट्रियल प्रेशर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस पेशेंट का मीन एट्रियल प्रेशर क्या होगा, इस पर्सन का मीन एट्रियल प्रेशर क्या होगा, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने 46 mm of Hg, 80 mm of Hg और आंसर देखिएगा 95 mm of Hg और 90 mm of Hg। फटाफट आपको आंसर पुट करना है, सही क्या होगा, चारों में से सही क्या होगा। मैंने मीन एट्रियल पूछा है बच्चों, मीन एट्रियल पूछा है, क्लियर मेंशन किया है कि पेशेंट को कार्डियक सर्जरी के बाद जब ब्लड प्रेशर चेक किया 126 और 80 मिला, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन, 95 बिल्कुल सही बच्चों, जिन्होंने 95 लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर देखिएगा, आंसर देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां पर मैंने पुट किया है मीन एट्रियल प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है। द परफ्यूजन प्रेशर फेल्ट बाय द ऑर्गन इन द बॉडी, ऑर्गन इन द बॉडी दैट इज द मीन एट्रियल प्रेशर। और आप फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, टू डायस्टोलिक, टू डायस्टोलिक का मतलब हो गया 80 plus 80, 80 plus 80, वन सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कितना हो गया 126 डिवाइडेड बाय 3। आप जोड़ के फटाफट कैलकुलेट करिएगा बच्चों, टोटल हो रहे हैं 286 डिवाइडेड बाय 3 और आपका आंसर कितना आ रहा बच्चों, 95, आपका आंसर कितना आ रहा 95। फॉर्मूला सीख लो रे बच्चों, जिन्होंने चौके छक्के मारे हैं 45 वालों को गलत है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो डायस्टोली, फॉर्मूला क्या कहता है, दो डायस्टोली मैंने लिखा था 126/80, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब फॉर्मूला कहता है कि दो डायस्टोलिक का मतलब 80 plus 80, एक सिस्टोलिक का मतलब 126, तीनों को जोड़ो, तीन का भाग दो, जो वैल्यू आएगा वो उस पेशेंट का मैप होगा, मीन एट्रियल प्रेशर होगा। अब देखिए मैंने कहा था ना, नोटबुक लेके बैठना होगा, पेन लेके बैठना होगा, हमें इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व करना है। और गलतियां होगी, आंसर गलत होंगे, सिलेक्शन दूर चला जाएगा, गलतियां मत करें, अपने आप को लेजी मत बनाए, अपने आप को लेजी मत बनाए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू विल बी स्ट्रांगली फाइट इन एवरी सिचुएशन। मैंने आपसे पल्स प्रेशर नहीं पूछा, मैप पूछा है, मीन एट्रियल प्रेशर पूछा है। और मैं बता देता हूं बच्चों, कम से कम आपकी बॉडी के ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए मोर देन 60 चाहिए और नॉर्मल मैप होता है 70 से 105, मतलब 95 आपको मीन एट्रियल प्रेशर मिला है, दैट इज अ नॉर्मल। 70 कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 105 होना चाहिए, इससे कम ज्यादा होने से वेरिएशन आएगा। मुझे पता था कुछ बच्चे 46 पुट कर रहे थे, वो थोड़े ड्रीम में थे कि सिलेक्ट हो गए ऐसा महसूस कर रहे थे, और मैंने कहा था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन की एक एक बारीकी को पढ़ो, समझो, फिर आंसर लिखो, आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैप का पूछा था, आप पल्स प्रेशर काउंट कर रहे थे, याद दिला रहा हूं बार बार, गलत मत करें, सब्र करें, नहीं आंसर आए तो वेट करें, नहीं आंसर आए तो वेट करें। अभी इस तरीके के कई धमाके होंगे आगे, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। हर एक एमसीक्यू को लेके आया हूं बच्चों, जो नॉर्सेट में आपकी मदद करेगा, नॉर्सेट को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा बच्चों। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, नेक्स्ट देखिएगा, कभी कभी आता पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर एग्जाम में पूछा गया है, 6 to 12 लिखना, 6 to 12
एम एम ऑफ एच जी, कभी कभी पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर पूछते हैं तो 4 to 12 लिखना एम एम ऑफ एच जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको केयरफुली याद करना होगा बच्चों, केयरफुली याद करना होगा। हमें एम्स में सपना देखा, एम्स में जाने का सपना देखा है, तो डेफिनेटली वो फीलिंग हमें लेना पड़ेगा, उस लायक हमें बनना पड़ेगा, तभी हमें सपने को पूरा कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट लिखा है कि प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूशन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी प्रोड्यूस एन इन्फ्रैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द हार्ट। यदि पेशेंट को राइट कोरोनरी आर्टरी में प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूशन हुआ तो कौन सा MI हो सकता है, कौन सा MI हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर और लेटर। फटाफट लिखिएगा, ये पेशेंट का कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये बच्चों दैट इज अ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और ये इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट में ब्लड जाता है, इंफीरियर इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को ब्लड देता है। वही लेफ्ट साइड में दो ब्रांच पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांच होगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांच होगा, एक का नाम होगा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स दो MI कॉज करता है बच्चों, लेटरल और पोस्टीरियर वॉल MI कौन करता है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। देन एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये कॉज करता है एंटीरियर और सेप्टल वॉल MI, याद रखना। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, इन्फीरियर। सही आंसर क्या हो गया बच्चों, इन्फीरियर। हमेशा याद रखना जब भी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये मोस्ट कॉमन आर्टरी है, मोस्ट कॉमन आर्टरी है, किसके लिए, MI के लिए रिस्पॉन्सिबल। और मोस्ट कॉमन MI पूछे तो एंटीरियर वॉल MI लिखना होगा, एंटीरियर वॉल MI जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ MI होगा बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ MI होगा। बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस असेसमेंट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द हार्ट फेलियर। कौन सा टेस्ट हम हार्ट फेलियर की सीवियरिटी को असिस करने में मदद करता है। क्या लिखा बच्चों, BNP लिखा है, PSA लिखा हुआ है, ट्रोपोटी लिखा, ANP लिखा, फटाफट आपको आंसर पुट करना है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर कौन मदद करता बच्चों, कौन सा टेस्ट मदद करता सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर का पता लगाने में, आपको फटाफट आंसर पुट करना है। देखिए BNP की बात करें, BNP की बात करें, ब्रेन नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड होता है, ब्रेन नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड होता है, और ANP की बात करें, एट्रिया नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड होता है, जो लगभग 27 पिकोग्राम पर ML होगा बच्चों, पर ML होगा ANP। BNP जो है लेस देन 100 पिकोग्राम पर ML जो होता है वो नॉर्मल होता है। क्विक आंसर लिखिएगा, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर TB भी लिखा, AB लिखा, सभी आंसर मिल रहे हैं, सभी आंसर मिल रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं सही आंसर कैसे होंगे। Which of the following test can be used to diagnose assessment of the heart failure? देखिए heart failure का मतलब heart is unable to pump sufficient blood to meet the metabolic need of the body organ. Body organ की metabolic need नहीं पूरी होती है, उस condition को हम heart failure कहते हैं। यहाँ लिखा है BNP. BNP का काम है increase, कब होता है increase, during, ध्यान से देखना बच्चों, during stretching of heart. जब आपका हार्ट स्ट्रेच होता है तो BNP का लेवल बढ़ता है। यदि आपका BNP जो है वो 100 पिकोग्राम पर ML मिल रहा है तो याद रखना अब्सेंट ऑफ हार्ट फेलियर। यदि ये बढ़ गया 100 से 300 पिकोग्राम मिला पर ML तो समझना प्रेजेंट ऑफ हार्ट फेलियर प्रेजेंट है। और ये 300 to 600 पिकोग्राम मिला तो समझ आना माइल्ड हार्ट फेलियर है। ये 600 to 900 पिकोग्राम मिला तो याद रखना मॉडरेट हार्ट फेलियर है, और 900 से ज्यादा मिला तो लिख देना सीवियर हार्ट फेलियर है। मतलब सीधा जैसे ही हार्ट काम करना बंद करेगा ब्लड कहाँ है, एक्युमुलेट होगा इनटू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में जब ब्लड ज्यादा एक्युमुलेट होगा तो वेंट्रिकल स्ट्रेच होंगे, और जब वेंट्रिकल स्ट्रेच होंगे तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। तो दैट सिंपली वी कैन से BNP जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ANP एट्रिया नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड, PSA को बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट
स्पेसिफिक एंटीजन, और ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है ये हम कहां पढ़ते हैं बच्चों, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में। ट्रोपोनिन जो है एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज आफ्टर MI, ये कार्डियक मसल्स में होता है, MI होने के बाद ब्लड में रिलीज होता है, जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर इन सेंटीमीटर H2। फटाफट लिखिएगा, 0 से 4 mm ऑफ Hg, 3 टू 8 mm ऑफ Hg, 12 टू 18 mm ऑफ Hg, 5 टू 10 सेंटीमीटर H2। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, बिना सोचे समझे आंसर मत लिखना, बट क्विक लिखना क्वेश्चन क्या पूछा है। लिखिए आंसर क्या सही होगा, क्या आंसर सही होगा, फटाफट लिखिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर इन द सेंटीमीटर H2O, ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए कुछ गड़बड़ यहां पर भी कर रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ यहां पर भी कर रहे हैं। ये देखना, मैंने पूछा है सेंटीमीटर H2O में, अब लिखना होगा, क्वेश्चन ने पूछा क्या। देखिए अंजू चौधरी, गलत आंसर अंजू, क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर इन सेंटीमीटर H2O, सेंटीमीटर H2O में पूछा है बच्चों। यस दैट आई वांट, मैंने कहा ना सेंटीमीटर H2O में पूछा है, जिन्होंने फिर अपना और स्मार्टनेस दिखाया, गलती की, और आपका सही आंसर आएगा 5 to 10 सेंटीमीटर H2D। मतलब क्या है, 1 mm ऑफ Hg जो होता है इक्वल होता है 3 point, लगभग देखेंगे 3.5, 1 mm of Hg को हम देखेंगे लगभग 3.5 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है, 3.5 या 3.35 के आसपास। अब आपको मैंने पूछा कि सेंटीमीटर H2O में, और आपने लिख दिया mm, बिल्कुल यदि आपसे mm of Hg में पूछते हैं कि सेंट्रल वीनस प्रेशर mm of Hg में पूछते हैं, तो आपको आंसर 3 to 8 mm of Hg लिखना, ये सही होता, बट पूछा सेंटीमीटर H2O में, और इन चारों में से जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू सेंटीमीटर H2O में सब एक ही है 1.35, बिल्कुल सही। 1 mm जो है, 1 mm ऑफ Hg है 1.35 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। अब आप देख लीजिएगा कि पेशेंट को 3 है तो 3 से 5 पहुंचेगा, 8 से 10 पहुंचेगा। अब समझ में आया बच्चों के, फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर में शॉर्टली बता देता हूं, सुपीरियर वेना कावल प्रेशर भी बोलते हैं। नॉर्मल CVP जो है हमेशा मेजर करते हैं 2 पॉइंट से, पहला पॉइंट यहां पर लिखा है मिड एक्सिलरी, 5 to 10 हम कंसिडर करते हैं, 5 to 10 हम कंसिडर करते हैं मिड एक्सिलरी से, और यदि आपसे पूछे मिड एक्सिलरी के अलावा आपसे पूछे तो आप सेकंड में पोजीशन पूछते हैं। पोजीशन मैंने लिखा सुपाइन हेड ऑफ द बेड 45 डिग्री पे एलिवेट होता है, मतलब पेशेंट CVP मॉनिटर करते समय सीधा लेटना है, हेड ऑफ द बेड जो है ये 45 डिग्री पे एलिवेट होता है, यदि हेड ऑफ द बेड जो है 30 डिग्री पे होता तो यहाँ जुगलर वेन प्रेशर मॉनिटर लिखना होता बच्चों। जुगलर वेन प्रेशर जब हम मॉनिटर करते हैं तब पेशेंट का हेड ऑफ द बेड जो है वो 30 डिग्री पे एलिवेट करते हैं, बट जब भी पेशेंट का CVP देखना है तो 45 पे करते हैं। मैनोमीटर द इंस्ट्रूमेंट विल यूज टू मेजर सेंट्रल वीनस प्रेशर, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, विच इंस्ट्रूमेंट विल यूज टू मॉनिटर दैट वी कैन से सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो बच्चों आपको मैनोमीटर लिखना होगा। क्या लिखोगे, मैनोमीटर लिखना होगा, मैं लिखा हुआ मैनोमीटर के साथ स्वान गॉस कैथेटर, ये भी आपको इमेज दिखाऊंगा, या इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई बार पूछता है। एक और इमेज आपको दिख रहा होगा जहां पर मैं बताने वाला बच्चों, फैलिबो स्टैटिक एक्सिस एग्जाम का क्वेश्चन है कि फैलिबो स्टैटिक एक्सिस जो है वो कहां हम देखते हैं, When we are measuring central venous pressure, मैं लिखा point located by the drawing and mammary line from fourth intercostal space at sternum, मतलब क्या है, fourth intercostal space से sternum की towards जब हम line को draw करेंगे और जो junction बनेगा, जो axis बनेगा, उसको phallibostatic axis कहते हैं,
और ये एक्सिस सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर करते समय बनता है। बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, हो सकता है आपको स्वान गॉज कैथेटर देखने को पूछे हैं, तो दैट वी कैन से स्वान गॉज कैथेटर इमेज को देखना रे बदमाश बच्चों, दिमाग में फिट करना। जे एन सी प्रीति शुक्रिया बच्चा, दैट इज आ स्वान गॉज कैथेटर और दिस वन मैनोमीटर और लिखना नॉर्सेट 2021, लिख लीजिएगा नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू कि विच इंस्ट्रूमेंट विल यूज टू मेजर सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, दैट इज अ मैनोमीटर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड आउट करना बच्चों, यहां पर एक बोतल आपको दिख रही होगी, इस बोतल में कौन प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है कल्चर मीडिया, बच्चों कल्चर मीडिया प्रेजेंट है, तो दैट वी कैन से फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको फटाफट आंसर पुट करना बच्चों। ब्लड कल्चर बोतल, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, इस तरह की इमेज दिया होता है, आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज दैट हैव कल्चर मीडिया या ग्रोथ मीडिया, जिसका काम है बैक्टीरिया को ग्रो अप करना, हम इसमें ब्लड को पुट कर सकते हैं, हम इसमें सीएसएफ को पुट कर सकते हैं, हम इसमें साइनोवल फ्लूड को पुट कर सकते हैं, और इसमें ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, कल्चर मीडिया प्रेजेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव न्यूट्रिएंट सब्सटेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ग्रो होता है, मैं लिखा है यहां पर कि एंटीकोगुलेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका काम है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना, और उसका नाम है सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट, कॉमनली विल फाइंड आउट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट देखिएगा, ए मर्मर इज हियर्ड एट सेकेंड राइट इंटरकोस स्पेस अलोंग राइट एक्सटर्नल बॉर्डर विच वॉल एरिया इज दिस, क्वेश्चन को थोड़ा समझना, मैंने पूछा मर्मर, आपको अच्छे से पता होगा बच्चों मर्मर हर्ट का एबनॉर्मल साउंड है, मर्मर जो है ये हर्ट का एबनॉर्मल साउंड है, क्वेश्चन कहता मर्मर हियर्ड सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में, तो यहां पर कौन सा वॉल होता है, आयोटिक, माइट्रल, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों। मैंने कहा था राइट साइड में पूछा है सेकेंड इंटरकोस स्पेस में, एक लेफ्ट साइड में होता है सेकेंड इंटरकोस स्पेस, फिर लेफ्ट साइड में थर्ड इंटरकोस स्पेस, फिर लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस स्पेस, फटाफट आपको आंसर पुट करना है। मैंने आपसे पूछा राइट साइड में सेकेंड इंटरकोस स्पेस में कौन सा वॉल होगा बच्चों, सोच के आंसर देना, ये आपका दिल है, हमेशा याद रखना हार्ट जो है वो ऑब्लिक पोजिशन में लोकेटेड होता है, दैट इज अ ट्राइकस्पिड, दैट इज अ पल्मोनरी वॉल, दैट इज अ बाइकस्पिड, और दैट इज अ आयोटिक वॉल, और आपका आयोटा जो आप देखोगे इस तरीके से निकलता, और वहीं हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें इस तरीके से निकलता है, तो राइट साइड में कौन आया आयोटा, तो आपका सही आंसर कौन होगा, आयोटिक साउंड। लेफ्ट साइड में पूछेंगे सेकेंड इंटरकोस स्पेस में, तो आपका आंसर क्या होगा, आप पल्मोनरी वॉल लिख सकते हो, यहां पर आप तो दैट वी कैन से थर्ड इंटरकोस स्पेस में हम बात करें तो यहां V1 V2 सब आएगा, फोर्थ में बात करें तो हम लिख सकते हैं बच्चों आयोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, और वहां बाइक का स्पीड लिख सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या था बच्चों, आयोटिक, बिल्कुल सही, ऑल पीपल इंजॉय टाइम मैगजीन, याद है मेरे बच्चों को। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल आर द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ द MI एक्सेप्ट, मतलब सभी जो है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर MI का, एक को छोड़ के, मॉडिफिएबल का मतलब ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटेबल है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब ट्रीटेबल है, सभी मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर MI के लिए एक को छोड़ के, ऑप्शन क्या कहता है, हाइपरलिपिडीमिया, बी में लिखा स्मोकिंग, सी में लिखा मेनोपॉज, देन डी में लिखा ओबेसिटी, क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मॉडिफिएबल फैक्टर है
एक को छोड़ करके, मतलब हम हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लिपिड के लेवल को कम कर सकते हैं, स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, ओबेसिटी को मॉडिफाइड कर सकते हैं। बच्चा कौन, बच्चा कौन? बच्चों ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन को देख करके आंसर डाले रहे, और स्मार्ट बच्चों ऑप्शन को देखिएगा। चार, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, मेनोपॉज और ओबेसिटी। मेनोपॉज और ओबेसिटी, बिल्कुल मेनोपॉज जो है उसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। सभी को पता है 45 से लेके 55 ईयर की जो एज होती है, दैट एज वी कैन से मेनोपॉज। क्या कहेंगे बच्चों? दैट एज वी कैन से मेनोपॉज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते। मैं लिखा है कि लिपिड्स का नॉर्मल लेवल 0.6 मिलीमोल पर लीटर होता है, और इसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये किसमें कंसिडर होगा? मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में कंसिडर किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिएगा बच्चों, कारवा शुरू हो चुका है, महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है, और इस महासंग्राम की एक एक डेट आपके सामने पुट कर दी है। आज हमने स्टार्ट कर दिया 21 तारीख को एमएसएन। जैसे जैसे अपना ये कारवा आगे बढ़ेगा, इस एक एक टॉपिक को हम फिनिश करते हुए आगे जाएंगे। कल फिर एमएसएन होगा, परसों इमरजेंसी नर्सिंग होगी, इस तरीके से पूरा कारवा चलता रहेगा। नॉर्सेट 2021 की जंग को जीतने तक हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम सिर्फ एक ही जिद के साथ अड़े हैं, और वो जिद जो है वो जीत से पूरी होगी। वो जो सेलिब्रेशन होगा वो जीत से होगा, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ और ब्लैक वाले गुलाब जामुन के साथ। तो ये कारवा चलता रहेगा, लगातार इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सा वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बढ़ने की वजह से पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकता है? आपको आंसर पुट करना होगा। क्या इसमें लेवल लिखा हुआ है, एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कोलेस्ट्रॉल, कौन सा लेवल इंक्रीज होगा तो पेशेंट को डेवलप हो सकता है, दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब आपको अच्छे से पता है, हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो है लेस देन 200 mg पर डीएल तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और 200 से ज्यादा होगा तो धमाके होने लगेंगे और पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो MI हो जाएगा, MI हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल, जिन्होंने यहां पर 200 लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए बच्चों, HDL आता है एग्जाम में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नॉर्मली 30-70 होता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है जो लेस देन 130 mg पर डीएल होता है। अब हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये कैरी करता है, ये क्या करता है, कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल, कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल, कहां से कैरी करता है, ब्लड से कैरी करता है, और किसको देता है, लीवर को देता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए एचडीएल का बढ़ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये कैरी करता है अपने कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल को कहां से कैरी करता है, लीवर से करता है, और डालता किसमें, ब्लड में, और ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एग्जाम में पूछते हैं कि विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, विच इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल याद रखना, हाई डेंसिटी हमेशा गुड होता है, लो डेंसिटी हमेशा बैड होता है। हाई डेंसिटी जो है वो ब्लड से लीवर में ले जाने का काम करता है, लो डेंसिटी लीवर से ब्लड में लाने का काम करता है। एग्जाम में कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछे तो लेस देन 200 mg पर डीएल आपको लिखना होता बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 60 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द कंप्लेंट ऑफ द क्रैशिंग चेस्ट पेन दैट रेडिएट टू द शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। द एडमिटिंग डायग्नोसिस द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इंक्लूड ब्लड वर्क लिखा हुआ है, ब्लड वर्क लिखा हुआ है, चेस्ट एक्सरे लिखा हुआ है, ECG लिखा हुआ है, एंड 2 mg मॉर्फिन गिवन इंट्राविनसली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, 60 साल का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, कंप्लेन करा, क्रशिंग चेस्ट पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है शोल्डर की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ, एडमिट कर लिया, डायग्नोसिस भी कर लिया, उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। इमीडिएट एडमिशन ऑर्डर, ध्यान रखना ये वर्ड, याद रखना,
ये वर्ड याद रखना बदमाश बच्चों, पूरे क्वेश्चन की भाषा बदलेगी। इमीडिएट एडमिशन ऑर्डर क्या है? ब्लड वर्क करवाना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, ईसीजी करवाना है और मॉर्फिन देना है। डॉक्टर ने चार ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में ऑर्डर कर दिया है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? ऑप्शन आपके सामने, क्विक आंसर लिखिएगा, क्विक आंसर लिखिएगा, हमें प्रायोरिटी किसको देना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही होगा? डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद वी आर सेलेक्टिंग विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, मॉर्फिन सल्फेट, यस दैट आई वांट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, क्योंकि पेशेंट को पेन सबसाइड होना है, फर्दर सारे इन्वेस्टिगेशन है, हम सबसाइड होने के बाद करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, मॉर्फिन सल्फेट बच्चों। तो मॉर्फिन से हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के पर्पज ऑफ यू से। मॉर्फिन को काम होता है टू डिक्रीज O2 डिमांड, याद रखना। मॉर्फिन कभी मत लिखना टू रिड्यूस पेन, मॉर्फिन विल हेल्पिंग टू डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होगा तो पेन सब साइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए एनाल्जेसिक, वी कैन नॉट से, ये एनाल्जेसिक नहीं बोल सकते बच्चों। मैंने क्लियर लिखा है आईवी देंगे बट सीधा नहीं देंगे बच्चों, 5 ml में डाइल्यूट करना, नहीं पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, याद रखना रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। आईवी डाइल्यूट करना 5 ml स्टराइल वाटर और एडमिनिस्टर करना बच्चों 4 से 5 मिनट, याद होगा हमने 5-5 मिनट में 15-15 पेशेंट को निपटाया होगा, अदरवाइज पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दें तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट को चेक करें। और नॉर्मली रेस्पिरेशन हम पढ़ते बच्चों 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ये पेशेंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये पेशेंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन है। तो हमें रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना, जैसे रेस्पिरेटरी रेट फॉल डाउन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा या ड्रग को बंद करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि पेशेंट है उसको MI था, डॉक्टर ने मॉर्फिन सल्फेट लिखा है, मॉर्फिन उसको चल रहा है, डियर नर्स कंसर्निंग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी उस पेशेंट के लिए? तो आंसर लिखना होगा बच्चों, दैट इज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इवन मैंने ये भी लिखा है कि जब भी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाए हमें तुरंत ड्रग को बंद कर देना। याद है ना डिगोक्सिन में हार्ट रेट चेक करते, याद है ना बच्चों डिगोक्सिन में हार्ट रेट चेक करते, यहां पर हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना है। इवन 10 से कम हुआ तो समझ आना पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, क्योंकि नॉर्मल 12 से 20 होता है, 12 से कम होते ही हमारा तो काम है ड्रग को बंद कर दो। 10 से कम हुआ तो समझ जाना पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो चुका। सॉरी ओके फाइन। इसके अलावा पूछते हैं बच्चों एग्जाम में कि यदि किसी पेशेंट को मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, मॉर्फिन ज्यादा दे दिया, तो याद रखना पिन पॉइंट प्यूपिल इंडिकेट करेगा मॉर्फिन का ओवरडोज, पिन पॉइंट प्यूपिल। इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, पहली पिक्चर को आप देखोगे तो यहां पर आपको प्यूपिल दिख रहा है, दूसरी पिक्चर को देखोगे इतना बड़ा प्यूपिल दिख रहा है, तो आप दोनों यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्यूपिल क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है, पिन पॉइंट हो रहा है। और पिन पॉइंट प्यूपिल क्यों हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। और पिन पॉइंट प्यूपिल क्यों हो रहा है? ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ द मॉर्फिन सल्फेट। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ, नोट डाउन करना। मियोसिस हो जाता है, क्वेश्चन आता है कि पिन पॉइंट प्यूपिल फिक्सेशन टॉक्सिटी की वजह से होता है, स्पेशली मॉर्फिन टॉक्सिसिटी की वजह से। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करना और अदरवाइज अपने पास तैयार रखना है नेलक्सॉन, जिसको बोलते हैं नार्केट। जब भी पेशेंट को मॉर्फिन टॉक्सिसिटी होती है तो हम नेलक्सॉन को देते हैं मॉर्फिन के इफेक्ट को कम करने के लिए। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो सच में पढ़ना चाहता है, सपना देखा, जिन्होंने फाइनेंशियल इश्यू की वजह से फीस नहीं भर पाए या सो गए, उनको जगाओ। प्रोजेंसी आपके घर पे आया, मेहनत करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। इसी जिद के साथ नेक्स्ट MCQ देखिएगा। मदर फीटस RH ब्लड टाइप इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ द मदर डज डैश एंड द फीटस। मदर और बच्चे में, मतलब मदर और फीटस में RH इनकम्पेटिबिलिटी कब डेवलप होगा,
कब डेवलप होगा, मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्विक आंसर पुट करेगा। मैंने क्वेश्चन को बताया है, मदर फीटस आर एच ब्लड टाइप इन कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ द मदर इज डैश और फीटस इज डैश। मदर को कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तब, फीटस को कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तब ये डेवलप होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ऑप्शन देखिएगा, आर एच पॉजिटिव मदर आर एच नेगेटिव बेबी, आर एच पॉजिटिव मदर आर एच नेगेटिव बेबी। देखिए दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपको फाइंड आउट करना है, मुझे सही आंसर पुट करना होगा, सही आंसर पुट करना होगा। मतलब यदि मदर जो है वो आर एच पॉजिटिव है, बेबी जो आर एच नेगेटिव उस कंडीशन में होगा, या मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है और रिसीविंग बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव है। अब इससे ज्यादा आपको हिंट नहीं दे सकता हूं, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। देखिए आसान है, आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच पॉजिटिव बच्चे को कंसीव करेगी। याद रखना मैं बताता हूं कि ये आर एच नेगेटिव मदर है, इसने कंसीव किया आर एच पॉजिटिव का, तो बच्चों फर्स्ट जो बेबी होगा, फर्स्ट जो बेबी होगा वो एस्केप होगा बिना कॉम्प्लिकेशन, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम होगी। और यदि सेकंड बेबी, दोबारा जो बेबी होगा वो भी यदि आर एच पॉजिटिव है तो अगली बार मदर के ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और वो जाकर के बच्चे के ब्लड में हीमोलाइसिस कर देगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस कर देगा, कर्निक ट्रस्ट कर देगा, हाइड्रोप्स फैटालिस कर देगा, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होगा और बच्चे की डेथ हो सकती, बच्चा डाई हो सकता बच्चों। बहुत बढ़िया, इसलिए तो हम रोगम्स देते हैं बच्चों, एनटीडी देते हैं। व्हेन एडमिनिस्टरिंग ए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग टू द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एन एमआई, द नर्स एक्सप्लेन टू हिम दैट द पर्पज ऑफ दिस ड्रग। मजेदार एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कहता है, जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को जब आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो और पेशेंट एक्सपीरियंसिंग हुआ एमआई हुआ पेशेंट को, डियर नर्स इस थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को एडमिनिस्टर करने का पर्पस बताएगी तो क्या बताएगी, पेशेंट को एक्सप्लेन करेगी तो क्या एक्सप्लेन करेगी बच्चों, क्या हेल्प करेगी कि पेशेंट को कहेगी कि हेल्प कीप हिम वेल हाइड्रेट, ये देने से आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा। बीबली का डिजोल्व क्लॉट ही मे हैव, यदि क्लॉट है तो डिजोल्व हो जाएगा। देन सी में लिखा प्रिवेंट किडनी फेलियर, क्या किडनी फेलियर होगा उसको रोका जा सकता है। डी में लिखा ट्रीट पोटेंशियल कार्डिक अरिथमिया, क्या पेशेंट को पोटेंशियल का मतलब होने वाले कार्डिक अरिथमिया को ट्रीट किया जा सकता है। कोई आंसर लिखिएगा बच्चों, मुझे फटाफट एक एक क्वेश्चन आप तक डिलीवर करना है, तुरंत क्वेश्चन को समझो आंसर पुट करिएगा। मैंने क्लियर लिखा है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द थ्रोम्बोलाइटिक, जब पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग हम दे रहे हैं, एमआई का पेशेंट है, इस ड्रग का पर्पज पूछा है, क्यों दिया जा रहा है ये ड्रग, क्यों दिया जा रहा है ये ड्रग, ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। थैंक यू एवरीवन टू लव एंड ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा है, बिल्कुल आपका आंसर सही है, थ्रोम्बोलाइटिक हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस एल्टीप्लेज मल्टीप्लेज बहुत सारी ऐसी ड्रग्स पढ़ते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसॉल्व क्लॉट। यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया बच्चों, देखना यहां लिखा हुआ है कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में सबसे पहले जैसे ही आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग स्ट्रेप्टोकाइनेस दोगे, जैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेस दोगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वो एक्टिवेट करेगा ब्लड में पहुंच के प्लाज्मिनोजन, मतलब ये आपकी ब्लड वेसल्स है, जैसे ही आपने ड्रग को पुट किया और ड्रग जैसे ही आपके ब्लड में पहुंचा, ब्लड में जाकर इसने प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट किया, प्लाज्मिन ने किसको रिलीज किया, प्लाज्मिन ने, प्लाज्मिनोजन ने प्लाज्मिन को रिलीज किया और उसने कर दिया ब्लड को डिसॉल्व, उसने कर दिया ब्लड को डिसॉल्व, और ये मैकेनिज्म होता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का। और खास बात बता देता हूं एग्जाम के पर्पज ऑफ यू से, स्ट्रेप्टोकाइनेस एल्टीप्लेज रेटीप्लेज टेनेक्टीप्लेज हम यूज करते हैं। और क्वेश्चन आता है कि एमआई होने के कितने टाइम के अंदर अंदर इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, तो आपको आंसर लिखना 6 आवर के अंदर अंदर पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देना होगा। थैंक यू एवरीवन। तो क्वेश्चन सीधा आएगा एमआई वाले पेशेंट में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग कितने टाइम के अंदर देना होगा, बदमाश बच्चों को आंसर लिखना 6 आवर के अंदर अंदर। कितने टाइम के अंदर अंदर दोगे बच्चों, 6 आवर के अंदर अंदर आपको पुट करना। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके फाइन, कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, ब्लीडिंग यहां पर प्राइमरी कंसर्न है, जैसे हिपेरिन देते हो तो ब्लीडिंग प्राइमरी कंसर्न है, वारफरिन देते हो तो ब्लीडिंग प्राइमरी कंसर्न है, बट मॉर्फिन दोगे
तो रेस्पिरेशन प्राइमरी कंसर्न है, डिगॉक्सिन दोगे हार्ट रेट प्राइमरी कंसर्न है, और यदि थ्रोम्बोलाइटिक दोगे तो फिर से ब्लीडिंग प्राइमरी कंसर्न है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैंने क्लियर लिखा है एंटीडोट के बारे में, क्वेश्चन आता है अमाइनो कैप्रोइक एसिड वर्क एज ए एंटीडोट इफ द पेशेंट डज हैव टॉक्सिसिटी ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड नर्स टीच द क्लाइंट विद द अनस्टेबल एंजाइना, मतलब पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना फैक्टोरिस है और कौन सा सिम्टम यदि मिलेगा तो तुरंत डॉक्टर साहब को कहना है कि पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना। ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल को बोलते हैं प्री इन्फेक्ट्री, अनस्टेबल को बोलते हैं प्री इन्फेक्ट्री, प्री इन्फेक्ट्री एंजाइना फैक्टोरिस, और अनस्टेबल को बोलते हैं मोस्ट मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना फैक्टोरिस पूछेंगे तो भी आपको अनस्टेबल एंजाइना फैक्टोरिस लिखना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्विक ध्यान से देखिएगा, प्री इन्फेक्ट्री एंजाइना फैक्टोरिस और इसी को मोस्ट डेंजरस बोलते हैं, और क्या सिम्टम दिखोगे तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। चेंज इन द पैटर्न ऑफ हर पेन, बी में लिखा पेन ड्यूरिंग सेक्स, सी में पेन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट विद हर हस्बैंड, और डी में का पेन ड्यूरिंग और आफ्टर एक्टिविटी सच एज लव मूविंग। अब आपको आंसर लिखना बच्चों, सोच के आंसर लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा वो सिम्टम है इंडिकेट करेगा तो तुरंत हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है बच्चों। मैंने क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड नर्स टीच क्लाइंट विथ अनस्टेबल एंजाइना टू रिपोर्ट इमीडिएटली, कौन सा सिम्टम देखोगे तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे बच्चों, कौन सा सिम्टम देखोगे। ए में लिखा है चेंज इन द पैटर्न ऑफ हर पेन, पेन के कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव होगा तब, या फिर अदर तीनों में से कोई राइट होगा। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों। पुट द राइट आंसर एवरीवन। ए जिन्होंने लिखा बिल्कुल सही, जिन्होंने ए लिखा है बिकॉज चेंज इन द पैटर्न हर पेन इट मे इंडिकेट इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एंजाइना पेक्टोरिस जो है, एंजाइना पेक्टोरिस को इश्मिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, इश्मिक हार्ट डिजीज, और इश्मिक हार्ट डिजीज का मतलब सीधा हो गया कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स योर हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई की कमी होना, दैट वीकेंस इश्मिक हार्ट डिजीज। और एक और खास बात का ध्यान रखना, एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट में पेन जो होगा वो एपिसोडिक होगा, पेन जो होगा वो एपिसोडिक होगा, और पेन का ड्यूरेशन जो है 15 से 20 मिनट का होगा। वही एमआई का पेशेंट होगा उसको पेन कंटिन्यू होगा, ड्यूरेशन मोर देन 30 मिनट का होगा। ये फर्क है दोनों में, एमआई का पेन कंटिन्यू या पेन एंजाइना में एपिसोड, एमआई का पेन 30 मिनट से ज्यादा, एंजाइना में 15-20 मिनट, दैट मींस एपिसोडिक पेन होगा बच्चों। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। और इवन आपको बता देता हूं नाइट्रोगिल्सिन एनटीजी जो है इसको ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआई, सॉरी एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड इनटू द ऑब्टेन मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द जुगलर वेन डिस्टेंशन, मतलब पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जुगलर वेन डिस्टेंशन होता है, तो कौन सा पोजीशन देंगे, कौन सा पोजीशन देंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड इन टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ जुगलर वेन डिस्टेंशन, मतलब जुगलर वेन प्रेशर आपको मॉनिटर करना है तो कौन सा रीडिंग जो है वो मोस्ट एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन दोगे। ऑप्शन मैंने क्लियर लिखा है, हाई फाउलर रेजिंग 10 degree, देन रेज 30 degree, देन सुपाइन पोजिशन, देन आंसर आपके सामने। आपकी नजर जो है वो रेड लाइन पे पड़ती है बदमाश बच्चों को, क्लियर देखना। ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ, पेशेंट सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है, हेड ऑफ द बेड को 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे बच्चों। दैट पोजीशन 45 मैंने आपको सीवीपी में पढ़ाया, 45 मैंने आपको सीवीपी में पढ़ाया था, या मैंने 30 लिखा है, या मैंने 30 डिग्री लिखा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। अब मैं आपको आंसर पुट कर देता हूं, रेंज 30 डिग्री, और यहां पर ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल जुगलर वेन प्रेशर 6-8 सेंटीमीटर H2 होता है। देखिए पेशेंट का हेड ऑफ द बेड जो है 30 डिग्री पे बच्चों,
सॉरी थर्टी डिग्री पे एलिवेट करना है। ये तरीका होता है जुगलर वेन प्रेशर को मॉनिटर करना, और ज्यादातर जुगलर वेन प्रेशर हमेशा वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन एंगल ऑफ द लुइस, जिसको मैनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ द जुगलर वेन पल्सेशन, मतलब सीधा जो मैनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट का मतलब होता है जहां पर आपका स्टर्नम, स्टर्नम और यहां पर क्लेविकल बोन आकृत में जुड़ती है, इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट, और यहां से हमें मेजर करना होता दैट वी कैन से जुगलर वेन प्रेशर। एग्जाम में नॉर्मल पूछते 6 to 8 centimeter H2 लिखना बच्चों, 6 to 8 centimeter H2 लिखना होगा बच्चों। क्वेश्चन कहता था नर्स मॉनिटर टू क्लाइंट रिसीविंग डिगॉक्सिन, इसका नाम लोनोक्सिन बोल सकते, फॉर विच ऑफ द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, पेशेंट जो है उसको डियर नर्स मॉनिटर कर रही है, डिगॉक्सिन टॉक्सिटी का अर्ली साइन क्या होगा, क्या हम एनोरेक्सिया बोल सकते हैं, क्या हम फेशियल पेन बोल सकते हैं, क्या फोटोफोबिया बोल सकते हैं, क्या येलो कलर परसेप्शन, याद रखना बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्ली मैनिफेस्टेशन, वैसे देखा जाए तो ये सभी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, अर्ली पूछा है, अर्ली पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्विक आंसर पुट करिएगा, द नर्स मॉनिटर क्लाइंट रिसीविंग डिगॉक्सिन, ध्यान रखिएगा डिगॉक्सिन आइनोट्रॉपिक एजेंट है, आइनोट्रॉपिक एजेंट है, डिगॉक्सिन को हम बोलते हैं बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है, तो कौन से सिम्टम को कहेंगे, दैट सिम्टम इंडिकेट अर्ली टॉक्सिटी, क्या बात है बच्चों, शाबाश एनोरेक्सिया आपने लिखा है, सही आंसर आपका। एक्चुअली एनोरेक्सिया जो है फिजिकल सिम्टम है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल सिम्टम कौन सा है, फिजिकल सिम्टम, तो आपको आंसर लिखना है बच्चों एनोरेक्सिया, क्या लिखोगे एनोरेक्सिया, बहुत बढ़िया रिवा, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, मैं शॉर्टली बता देता हूं, एक तो आइनोट्रोपिक एजेंट है, काम करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन का, और इसको ड्रग ऑफ चॉइस किसका बोलते हैं, हार्ट फेलियर का, किसका बोलते हैं बच्चों, हार्ट फेलियर का, दैट वी कैन से डिगॉक्सिन, इवन मैंने कहा था डिगॉक्सिन देने से एक मिनट पहले किसको चेक करते हैं, अपाइकल पल्स, किसको चेक करते हैं बच्चों, अपाइकल पल्स को चेक करते हैं डिगॉक्सिन देने से एक मिनट पहले, और कब हमें डिगॉक्सिन को बंद करना, जब पल्स रेट 90 से 110 बीट से कम हो जाए, तो चिल्ड्रन इन्फेंट और यंग बच्चों को कम कर देना है, और लेस देन 60 हो जाए तो इंडिकेट करता ब्रेडीकार्डिया, और ये अडल्ट पे पूछे जाने वाला एमसीक्यू है कि डिगॉक्सिन, क्या डिगॉक्सिन जो है हम कब स्टॉप करना है, मैंने कहा था टैकीकार्डिया में देते हैं, जैसे लेस देन 60 बीट्स पर मिनट पेशेंट का हो गया तो डिगॉक्सिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए, इवन डिगॉक्सिन टॉक्सिटी होगा तो अर्ली सिम्टम एनोरेक्सिया दिखेगा, उसके अलावा हाइपरकैलेमिया, येलो ग्रीन डिस्टोरेशन अराउंड द लाइट्स, जिसको जेंथोप्सिया बोलते हैं, जेंथोप्सिया, ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डायरेक्ट पूछते हैं कि यदि किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हो गया तो क्या चेंजेस दिखेगा, आपको लिखना होगा हाइपरकैलेमिया, येलो ग्रीन डिस्टोरेशन अराउंड द लाइट और वीकेंस ऑफ ब्रेडीकार्डिया, इवन एंटीडॉट पूछते हैं तो डिजी बाइंड फैब, एवरीबडी नो वेरी वेल डिजी बाइंड फैब, वी कैन से एंटीडॉट ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एंटीडॉट ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, डिगॉक्सिन पे एक एमसीक्यू आएगा, इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक में पूछा जा सकता है, एमटीजी में पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, हर एक ड्रग इंपॉर्टेंट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है इफ एक ब्लड प्रेशर कफ इज टू स्मॉल, यदि पेशेंट को बीपी चेक करते समय ब्लड प्रेशर कफ जो है वो टू स्मॉल है, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर रीडिंग टेकन विथ सच ए कप में डू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको अच्छे से पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं तो एज के अकॉर्डिंग कप साइज को यूज नहीं करते, हमेशा बच्चों में कप की साइज अलग होगा, अडल्ट में कप की साइज अलग होगा, जब पेशेंट को बीपी चेक करते समय हमने देखा कि कप का साइज जो था वो बहुत ही स्मॉल था, तो कैसा ब्लड प्रेशर आपको मिलने वाला है, पेशेंट का रीडिंग क्या मिलेगा, पेशेंट का रीडिंग क्या मिलेगा बच्चों, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर आंसर, फॉल्स हाई लगातार आपका आंसर मिल रहा है बच्चों, यस श्योर बिल्कुल फॉल्स हाई आप लिख रहे हो, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है,
क्योंकि जब भी पेशेंट को हम टू नैरो ब्लड प्रेशर कफ यूज करते हैं तो रीडिंग जो है हाई मिलेगा. मैं लिखा है कफ टू नैरो स्मॉल, हाई रीडिंग होगा और वीकेंस फॉल्स एलिवेटेड. भाई छोटा कफ होगा, प्रेशर पुट करेगा, आपका आर्म बड़ा होगा तो रीडिंग जो है वो ज्यादा होगा, रीडिंग जो है ज्यादा आएगा. कफ यदि टू वाइडर है, बड़ा कफ है, छोटे बच्चे को पुट करे हो, रीडिंग लो आएगा. इवन इवन एक और खास बात, जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर आप चेक करते हो और हाथ का साइज हार्ट के साइज से ऊपर होगा तो ब्लड प्रेशर लो आएगा, और आपका हाथ का साइज हार्ट के साइज से डाउन होगा तो लेवल से तो ब्लड प्रेशर जो है कम होगा. मैंने लिखा है हैंड अबो लेवल द हार्ट लो ब्लड प्रेशर, और हैंड बिलो द लेवल ऑफ हार्ट वी कैन से हाई ब्लड प्रेशर. ये डिफरेंस फाइंड आउट होगा. तो हमें ध्यान रखना, हमें चेक करना है ब्लड प्रेशर लेते समय पेशेंट को किस पोजीशन में बिठाना. दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेशेंट इज प्लेस इन अ लो डोज ऑफ लिसनोप्रिल. पेशेंट को हमने लो डोज ऑफ लिसनोप्रिल पे प्लेस किया. लिसनोप्रिल क्या है? ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है लिसनोप्रिल और हाइड्रोक्लोराथियाजिड. हाइड्रोक्लोराथियाजिड जो है ये थियाजिड डायूरेटिक्स, बच्चों ये जो है ये थियाजिड डायूरेटिक्स ड्रग है, डायूरेटिक्स ड्रग है. तो क्वेश्चन यही कहता है कि पेशेंट इज प्लेस ऑन द लो डोज ऑफ लिसनोप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरिड क्लोथियाजिड, व्हाट लैब वर्क शुड बी ऑर्डर. मैं बता देता हूं लिसनोप्रिल क्या करता है, हाइपरकैलेमिया करता है. क्या करता है? हाइपरकैलेमिया करता है. और दूसरा यहां पर हाइड्रोक्लोरोथियाजिड हाइपोकैलेमिया करता है. मतलब ये दोनों किसके पीछे पड़ जाते हैं? पोटेशियम. किसके पीछे पड़ जाते हैं? पोटेशियम के पीछे पड़ जाते हैं. तो क्या चेक करेंगे? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जीएफआर चेक करेंगे, अल्ब्यूमिन बिलिरुबिन को चेक करेंगे या क्रिएटिन पोटेशियम को चेक करेंगे? कौन सा सही आंसर होगा? कौन सा सही आंसर होगा इस पेशेंट में? कौन सा पैरामीटर चेक करेंगे? पुट द राइट आंसर एवरीवन. कि पेशेंट जो है उसको लिसिनोफ्रिल चल रहा है, हाइड्रोक्लोराथियाजिड चल रहा है, एक हाइपरकैलेमिया कर रहा है, एक हाइपोकैलेमिया कर रहा है, तो हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट, सॉरी कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा, जिससे हमें पता चलेगा पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है. बच्चों ने यहां पर डी को प्रायोरिटी दिया है, बच्चों ने डी को प्रायोरिटी दिया है. और अब भी समझ में नहीं आया ना तो बच्चों मार खाने वाला काम करोगे आप. क्या बात है, क्या बात. शुक्रिया संध्या, शुक्रिया बच्चा. डी आपने लिखा, डी आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बिकॉज पोटेशियम यहां पर अल्टर्ड हो रहा है, पोटेशियम यहां पर अल्टर्ड हो रहा है. और जिन्होंने डी आंसर लिखा, एक तो बच्चा के लिख रहा बदमाश, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नर्स इज अ कैरिंग फॉर द पेशेंट विद एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक. एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का पेशेंट है, उसको डियर नर्स केयर कर रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली एज रेंज, कौन सी एज जो है वो मोस्ट लाइकली फाइंड आउट होगा. ए नर्स इज कैरिंग पेशेंट विद एक्यूट लिम्फो, एक्यूट लिम्फो ब्लास्टिक ल्यूकेमिया की एज पूछी है, एज पूछी है बच्चों. ऑप्शन लेगा 3 से 15, 25 से 35, 45 से 55, ओवर द 60 ईयर. या तो ये तो पता होगा ए एल एल बच्चों में कॉमनली होता है. अब आपको आंसर पता चल गया होगा बदमाशों को, बच्चों में कॉमनली होता है. तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा बच्चों? मैंने क्वेश्चन को बताया ध्यान से, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, माइलो नहीं है, लिम्फोब्लास्टिक पूछा है. देखिए देखिए देखिए, जिन्होंने सही आंसर लिखा ए लिखा उनका आंसर सही है, ए लिखा उनका आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके फाइन, मैं बता देता हूं बच्चों यंग एज में होता है. देखिए एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो है यंगर देन 15 साल के बच्चों में कॉमनली होता है, और पीक उम्र जो है 2 से 6 साल होती है. मतलब बच्चे की उम्र जो 2 से 6 साल की उम्र है वो पीक होती है, वो पीक होती है. ज्यादातर ये यंगर देन 15 ईयर में कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन बच्चों में. याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू है रे, याद रखो रे बदमाश बच्चों. एक्यूट लिम्फोसाइटिक और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बच्चों में कॉमन होता है. AML जो है ये 15 से 39 साल में, और किसमें कॉमन होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, दैट वी कैन से ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप है, ल्यूकेमिया का मोस्ट कॉमन टाइप है. CLL जो लिखा है बच्चों, ये WBC काउंट एलिवेट होता है 20,000 से 1,00,000 तक. ये WBC बढ़ता है, इसको ल्यूकोमोइड रिएक्शन बोलते हैं.
जिसको ल्यूकोमोइड रिएक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ल्यूकोमोइड रिएक्शन का मतलब आपका WBC जो है वो 50,000 से ज्यादा बढ़ना ल्यूकोमोइड रिएक्शन कहलाता है, और ये ल्यूकीमिया में फाइंड आउट होता है। 50 साल के बाद डेवलप होता है, मोस्ट कॉमन अडल्ट में, अडल्ट का मोस्ट कॉमन है बच्चों। देन क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया कॉमनली एल्डरली में होता है बच्चों, और इसको ट्रीट करने के लिए हम बाइसल्फेक्स को यूज करते हैं बच्चों, पिल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आईवी बाइसल्फेक्स है, नियोप्लास्टिक ड्रग है, दैट कैन कॉज हाइपर यूरिसीमिया, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है बच्चों, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच कीमोथेरेपी ड्रग विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर विद क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, तो बाइसल्फेक्स लिखना होगा। क्या लिखोगे? बाइसल्फेक्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, फ्री नॉर्सेट 2021 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए बच्चों, फ्री होगा क्योंकि मिशन 2021 को फतेह करने का है। फ्री क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज, वक्त आपको देना है, टाइम आपको देना है। JNC पूरी तरीके से तैयार है इस युद्ध को जीतने में, साथ आपको देना होगा, सपने आपके हैं और खुशियां मेरे परिवार के, सबसे पहले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के बच्चों के परिवार को मिलेगा। तो मैंने क्लियर 5 डेट दे दिया है। इस मॉडल पेपर की खासियत देखिएगा, मैं इसमें 180 MCQ पुट कर रहा हूं वो नर्सिंग से होगा, 20 MCQ पुट कर रहा हूं वो अदर सब्जेक्ट से होगा, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होगी, और पूरा 3 आवर का पेपर होगा। उस माहौल में, उस फीलिंग में आपको पुट करना चाहता हूं, जो माहौल आप 20 नवंबर को देखने वाले हैं, सीख उसी माहौल में आप अभी से अपने आप को पुट करोगे। 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करोगे। 200 MCQ को कैसे अटेंड करना है, कितने अटेंड करना है, कौन से छोड़ने हैं, और हजारों बच्चों में रैंक कौन सी आपकी आ रही है, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इट्स अ ग्लोरियस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फ्री होगा बच्चों, कोई चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना, फ्री 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 ऑन JINC जोधपुर के ऐप पे होगा। आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, और 28 तारीख को सुबह 8 बजे ये पेपर आपको मिल जाएगा। टाइम 3 आवर रहेगा, 3 घंटे में पूरा करना होगा। कैसे करना होगा, कितने क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा छोड़ना है, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको डिसाइड करना है। That will be free for every future nursing officer, my loving future nursing officers. Okay, fine. तो आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि इमेज आपको दिख रहा है, इमेज आपको दिख रहा है, मुझे तुरंत फाइंड आउट करके बताएं इस इमेज का नाम क्या है, इस इमेज का नाम क्या है, तुरंत बताएं बच्चों। ये डिवाइस है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट आपको आंसर लिख देना है कि ये इमेज कौन सा है बच्चों, ये इमेज कौन सा है। क्विक आंसर, क्विक आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन नहीं है, इको है बदमाश बच्चों, इको की मशीन है, इको ए टेस्ट दैट यूज टू साउंड वेव क्रिएट मूविंग पिक्चर ऑफ द हार्ट, और मैंने लिखा है इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक मेथड टू पेशेंट फाइंड आउट विद द कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, जब फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है इन पेरिकार्डियल सैक, इन पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियल सैक और पेरिकार्डियल कैविटी में जब एक्सेसिव फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट कंडीशन वी कैन से कार्डियक टेम्पोनेंट। बिल्कुल आपने इको लिखा, इको आपका सही आंसर है, इको आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है बच्चों। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हेन कैरिंग फॉर द पेशेंट विद इनफेक्टिव, देखिए इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जब आप इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट का केयर कर रहे हैं, द नर्स विल असिस्ट द पेशेंट फॉर विच वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई बच्चों, महसूस करिएगा बीच बीच में इस तरीके एमसीक्यू को। ए में लिखा है ऑस्लर नोड, बी में लिखा है जानवी लीजन, बी में लिखा है जानवी लीजन, सी में लिखा है स्प्लिंटर हेमरेज, डी में लिखा है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, और ई में लिखा है अरिथमा मार्जिनेटम लीजन। क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आंसर पुट करिएगा कि जब आप केयर करें पेशेंट को जिसको इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस था, डियर नर्स ने जब उसको असिस्ट किया, तो कौन से वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन, मतलब इनमें से कौन से वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन आपको मिला। बिल्कुल सुमन, वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा, सही आंसर जुगल, जुगल बिल्कुल बड़ा, एमसीसी केस वाला एमसीक्यू,
मेरे बच्चों ने एक एक बात को याद कर रखा हुआ है। अगेन नगेश, नागेश बिल्कुल बेटा, आंसर पुट करें। मैंने लिखा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डियल डिसइंफ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, और ये क्वेश्चन को सोच के आंसर दीजिएगा, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, जो आपको सही लगे चार ऑप्शन में से एक को राइट करना है। क्या बात है, शाबाश शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने ए बी सी लिखा है, आपका आंसर सही है। ऑस्लर जानवी और स्प्रिंटर हैमरेज, ये तीनों वेस्कुलर सिम्टम है, वेस्कुलर सिम्टम है। देखिए पहला, देखिए स्प्रिंटर हैमरेज आपको दिख रहा होगा नेल बड्स पे, ये आपको ब्लीडिंग दिख रहा है नेल बड्स पे, ये उस पेशेंट को था जिसको एंडोकार्डाइटिस है, जिसको एंडोकार्डाइटिस उसको ये सिम्टम फाइंड आउट होगा। दूसरा बच्चों आपने लिखा, देखिए ऑस्लर नोड एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, रेडिश टेंडर लीजन कॉज्ड बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, पेनफुल रेड फाउंड होगा, रेडिश होगा, और याद रखना टेंडर होगा, नॉन टेंडर होते ही जानवी नोड आ जाता है, नॉन टेंडर होते ही जानवी नोड आ जाता है। बच्चों याद रखिएगा, ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये जानवी नोड है, ये नॉन टेंडर दिख रहा है, ये नॉन टेंडर डॉट दिख रहा है रेड वाला, जिसको हम बोलते हैं नॉन टेंडर हैमरेज, दैट विल बी ऑन द फिंगर टोज ईयर, यहां पर कॉमनली फाइंड आउट होता है। तो दीज आर द सिम्टम विल आइडेंटिफाई पेशेंट सफर विद द एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट सफर विद द एंडोकार्डाइटिस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आज की इंपॉर्टेंट जर्नी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की यहीं तक थी, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन कल के सेशन में आपको मिलेगा। लास्ट लगभग 3 आवर के आसपास आपने पेशेंस बनाए रखा, साथ दिया, ईमानदारी के साथ कंट्रीब्यूट किया, अपने हर एमसीक्यू का आंसर दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और यदि बच्चों ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको सच में बेनिफिशियल लगे तो अपना रिव्यू जरूर लिखना, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि मेरी जिद मेरा सपना आपकी तरक्की और आपका सक्सेस, आप आगे बढ़ोगे, आपका जेएनसी आगे बढ़ेगा, और आप इंडिया के जिस भी एम्स में पहुंचोगे, मतलब आपका जेएनसी यहां पहुंच चुका है। इस सिद्धत के साथ मेहनत जारी रहेगी, कल फर्दर यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, बड़े बड़े सिस्टम के एमसीक्यू कल हम पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के 3 घंटे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए होंगे जेएनसी परिवार की तरफ से, और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपकी मदद होगी, खुश रहिएगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टिक के पढ़ना, एक टीचर पे ट्रस्ट करना होगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। विजिट करने से कंफ्यूजन पैदा होगा, कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं होगा, बाकी टाइम अपनी स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा बच्चों, क्योंकि 12 से 14 घंटे आपको और पढ़ना होगा। और ये 1 महीना इस तरीके से मेहनत करो, दिवाली सिलेक्शन के बाद मनाएंगे। मेरे बच्चों के साथ मैं दिवाली को भी क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं, और उसके लिए मैं शिद्दत से मेहनत करता रहूंगा। खुश रहिएगा, आगे बढ़िएगा, मां बाप का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रेस्पेक्ट करिएगा। कल फिर मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।